Hello guys, welcome to Edugiri. How are you all doing? I hope you missed me. I missed you guys a lot. I love teaching you guys and I missed you. तो द हिंदू का सेशन होता है हर रोज 6 PM to 7 PM. ठीक है, हम साथ साथ में नोट बनाते हैं, साथ साथ में हम द हिंदू को अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी नोट कर लेते हैं. राइट, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सेशन को हम अपने. इफ़ आई एम ऑडिबल प्लीज टेल मी दैट आई एम ऑडिबल इन द कॉमेंट सेक्शन, इन द चैट सेक्शन. ठीक है, स्टॉप ग्रेडिंग टेररिस्ट एज गुड एंड बैड इंडिया इन UN. तो यार, इंडिया ने क्या बोला कि कोई भी टेररिस्ट जो होता है, टेररिस्ट कौन है जो टेरर फैला रहा है, जो गलत काम कर रहा है, मतलब ठीक है, वो टेररिस्ट है. एक्चुअली कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं हो सकता कोई. ठीक है, वो कहते हैं कि जो टेररिस्ट है वो बैड ही है, देयर इज नो टेररिस्ट हु इज गुड. ठीक है, तो ये इंडिया ने बोला UN के अंदर. तो UN की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इंडिया इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता था तो ये हम लिखेंगे इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN. ठीक है, कौन है? रुचिरा कंबोज. एम आई ऑडिबल? यार एक बार मैं चेक कर लूँ, बिकॉज बहुत बार ही होता है मैं आपको सेशन पूरा करवा देती हूँ एंड बाद में बदलता है, वॉज नॉट ऑडिबल है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो रहा रुचिरा कंबोज. बहुत मतलब अभी टाइम हो गया इनको लगे हुए, बट फिर भी ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम बन गए UN के प्रेसिडेंट. UN के नहीं, UNSC के प्रेसिडेंट. तो ये प्रेसिडेंटशिप में ऐसा कुछ खुशी वाली बात तो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मतलब हर बार आती है तो रोटेशनल होता है. ठीक है, रोटेशन वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मेंबरशिप आती है. ठीक है, तो अभी हम दिसंबर के महीने में हम मेंबर मतलब हम प्रेसिडेंट है. ठीक है, और हम 15 नेशन जो मतलब मेंबर्स नेशन की जो काउंसिल है, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, हम उसके अंदर 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके अंदर भी इस टाइम पे मेंबर है इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि कोई भी टेररिस्ट ऐसा नहीं होता गुड या बैड. ठीक है, तो क्योंकि अब इंडिया प्रेसिडेंट है दिसंबर 2022 में इंडिया प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑफ़ UNSC. तो अब ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये रोटेशनल है. ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें वोटिंग हुई या कुछ भी, ये आती ही आती है. अब इसके अंदर इंडिया 2 सेशंस करेगा अपनी जो मेंबर प्रेसिडेंटशिप में. एक तो टेररिस्ट इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन मस्ट बी कंडेम, चलो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे विल होल्ड 2 सिग्नेचर इवेंट्स ऑन रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म एंड काउंटर टेररिज्म टू बी चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर. तो हम 2 चीज़ों पर बात करें यहाँ पर, 2 इंपॉर्टेंट सेशंस करें, 2 सिग्नेचर सेशंस. तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 सिग्नेचर सेशंस. और वो 2 सिग्नेचर सेशंस हमारे कौन कौन से हैं, हम अपनी प्रेसिडेंटशिप में कौन कौन से करें? एक तो हमारा जो सेशन है वो है रिफॉर्म्ड. किस बारे में बात करें हम? रिफॉर्म्ड मल्टी लैटरलिज्म. अब इसका मतलब क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना भाई. ये जो एक तो ये सेशन है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. इसका मतलब है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, इट कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन द UNSC. इट शुड बी मोर इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन दैट शोज कंटेम्प्रेरी ग्लोबल रियलिटीज. इट कॉल्स फॉर रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस. दे शुड इनकॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. अब यार देखो, यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी अगर यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है तो इट इज़ नॉट राइट, है ना. एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वॉर नाउ, बट ये वाली जो वॉर चल रही है, एक साल हो जाएगा इसको, एनिवर्सरी बनाएंगे ये फर्स्ट एनिवर्सरी, बट यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा. ये एक एग्जांपल है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रियलिटीज जो है ना वर्ल्ड की, उसके साथ डील करो. ठीक है, सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इन्वॉल्व करो. तो उसमें कह रहे हैं कि इसको एक इंक्लूसिव, क्या कह रहे हैं, शुड बी एन इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, और रियलिटीज़ देखे, एक्चुअली रियलिटी चेक भी होना चाहिए. ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बात करनी है इंडिया ने. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ पे किस पे बात करें, काउंटर टेररिज्म की. टेररिज्म जो फैल रहा है उसको कैसे, उससे कैसे डील करा जाए, काउंटर टेररिज्म. ठीक है ना, ये 2 सेशंस इंडिया जो है अपने अंडर लेगा जब एज अ प्रेजिडेंट है, और इंडिया प्रेजिडेंट है UNSC का. और यहाँ पे चेयर कौन करेगा इनको, बोथ सेशंस चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे, एस जयशंकर. ठीक है ना, तो इसके अंदर भी डब्बा बना लेंगे हम अपना. ठीक है, एस जयशंकर. ठीक है ना, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बना दिया इसने. चलिए अब यहाँ पर एस जयशंकर लिख लेंगे. ठीक है ना,
अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ये एक बात है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि टेररिज्म की बात होनी स्टार्ट कब हुई। ठीक है, टेररिज्म इंडिया के अंदर, टेररिज्म बहुत पहले आ गया था, बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए 93 के अंदर हुए, उसके बाद कब कब नहीं हुए ऐसा, मतलब इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने बड़े नॉर्मल हो गए थे एक टाइम पर, राइट। तो बट वर्ल्ड के अंदर नहीं हो रहे थे, तो वर्ल्ड के लिए टेररिज्म वॉज नॉट, इट वॉज लाइक यहाँ, मतलब ऐसा होता है ना, जब तक कोविड चाइना में था, जब तक कोविड इटली में था, वी वर लाइक वहीं पर रहेगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा, है ना। था ना 2020 के अंदर जब हमें पता चला कि चाइना के अंदर कोई ऐसी डिजीज आई है, तो वी वर लाइक वहीं पर रहेगा। ऐसे तो बहुत सारी आई ना, इबोला भी आई, हमने फेसबुक पे देखा, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा था ना। बट जब वो इंडिया में लैंड कर गई, तब हम लगा अरे ये क्या हुआ। तो वैसे ही जब तक टेररिज्म इंडिया के अंदर ही सीमित था, या फिर जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज थी वहां तक सीमित था, तब तक डेवलप्ड कंट्रीज को टेररिज्म के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट जैसे ही 2001 में यूएसए पे अटैक कर दिया टेररिस्ट ने, उनको पता चला टेररिज्म होता क्या है। तो 2001 से वर्ल्ड ने टेररिज्म की बात करनी स्टार्ट करी, एंड फिर अटैक्स हुए लंदन, पेरिस, मुंबई, ये सारे अटैक्स के बाद डेवलप्ड कंट्रीज ने बात करनी स्टार्ट करी। तो ये हमें दिमाग में रखना है ये वाला पार्ट, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये कि भैया हमारी रोटेशनल मेंबरशिप आई हुई है, ठीक है, दो हम लेंगे, कौन हेड करेगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं, और तो बनते नहीं इसमें से। परमानेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव कौन है, रिचिरा कंबोज है, ठीक है। इंडिया अर्ज टू अडॉप्ट एशियन कंसेंसस ऑन म्यांमार। अब यार म्यांमार में क्या चल रहा है, ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और डिस्कस करने में कुछ आता नहीं है। म्यांमार लिख लेंगे हम, तो म्यांमार ग्रीन से लिखेंगे, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार के अंदर कू हो गया था, क्या हो गया था, कू। अब कू क्या होता है, कू ये हम बहुत बार सुनते हैं, ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, बाय फोर्स, ठीक है ना, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको बाय फोर्स जो है फेंक दिया जाए। अब यहां पे कौन आ गया बाय फोर्स पावर में, मिलिट्री, जो मिलिट्री थी वहां की वो पावर में आ गई है म्यांमार में, ठीक है। अब जो मिलिट्री है वो बहुत कुछ कर रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पे उसको उन्होंने साइड बाय कर दिया। वो कौन सी थी इलेक्टेड गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर वन पॉइंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार कौन सी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार मतलब, इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जो लोगों ने इलेक्ट किया था जिसको, ठीक है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट जो थी इसको ओवरथ्रो कर दिया फोर्सफुली, इनके बंदे तो इन्होंने जेल में डाल दिए मिलिट्री वालों ने, और खुद पावर में आके बैठ गए, ठीक है, और लोगों पर न्याय कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है वहां पर, बस बैठे हैं पावर के अंदर, ठीक है। लोग वहां पे कुछ कुछ एरिया से लड़ाई हो जाती है तो वहां से लड़ने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है। तो वहां की जो उनकी मेन लीडर थी आउंग सांग सू की, उसको जेल में डाल दिया करप्शन के चार्जेस पे, ऐसी फालतू के, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसकी तो फॉलोइंग बहुत है, और मिलिट्री वालों को गुस्सा भी इसी बात पर चढ़ा था कि इसकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो एशियान वाले जो हैं, एशियान इसका एशियान का मेंबर है म्यांमार, ठीक है, बट अब क्योंकि वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखो यार कुछ मतलब कंट्रीज क्या चाहते हैं कि हर जगह जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, पीस हो, क्योंकि अगर आपके नेबरिंग कंट्रीज में पीस नहीं है ना तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अभी हम नीचे जाके देखेंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है, एक स्टेबल रिजीम नहीं है, स्टेबल रिजीम नहीं है। तो अगर आपके आस पड़ोस के देश में स्टेबल रिजीम नहीं होती है तो आपके खुद की कंट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर क्या है, एशियान जो है, जो मेंबर्स हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एशियान के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया को क्या कह रहे हैं, वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो है म्यांमार की जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वहां पे, उसके साथ कुछ ज्यादा लिंक मत रखो, उससे बातचीत मत करो। अब तुम कहोगे ये स्टोरी टाइम है, सुनना पड़ेगा, इंडिया लिंक रख रहा है, ठीक है, इंडिया बात कर रहा है वहां की गवर्नमेंट से, और ये सब तुम कहोगे क्या जरूरत है, सही तो है, क्यों कर रहे हैं बात, नहीं करनी चाहिए बात, बट बात करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है ना, चाइना उनको, उनके साथ पूरा अच्छे रिलेशनशिप में है, तो हमें इसलिए करना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है एक पॉइंट की, कौन से पॉइंट की, फाइव पॉइंट कंसेंसस। तो अब यार क्या हुआ म्यांमार के अंदर, म्यांमार में
बहुत ज्यादा मतलब मारपीट हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, वॉर हो रही थी, सिविल वॉर हो रही थी। तो अब इन सबको रोकना था, बंद करना था। तो एशियान वालों ने मीटिंग बुलाई मिलिट्री के जुंता से, जो मिलिट्री का मतलब हेड है इनका, उससे। तो फिर इन्होंने 5 पॉइंट्स उसके साथ मिलकर लेकर आए ये लोग, एंड उसने बोला था कि वो मानेगा, बट अब देखते हैं कि मानता है, पर उसने अभी तक तो नहीं माने। तो एशियान 5 पॉइंट कंसेंसस क्या है? स्टेट दैट देयर शैल बी एन इमीडिएट सीजेशन, मतलब स्टॉप, ठीक है, स्टॉप क्या कर देंगे, स्टॉप वायलेंस। वायलेंस मतलब जो भी चल रहा है, गोलीबारी चला रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, ये सब कुछ, ठीक है, इन म्यांमार। एंड ऑल पार्टीज शैल एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्ट्रेन, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अमंग ऑल पार्टीज कंसर्न, शैल कमेंस टू सीक अ पीसफुल सोल्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। मतलब जितनी भी पार्टीज हैं म्यांमार की, वो आपस में लड़ने के बजाय एक तरीका निकालेंगे, पीसफुल तरीके से बातचीत करने पड़ेगी, ठीक है। नाउ इट्स सेड, सो सबसे पहले अगर हम 5 पॉइंट कंसेंसस के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लें तो हमारे लिए बढ़िया होगा। 5 पॉइंट कंसेंसस, ठीक है, मतलब अग्रीमेंट किया। इसमें मिलिट्री जुनता भी माने थे, बट उन्होंने कुछ किया नहीं, वो अलग बात है, बट वो भी इसमें बैठे थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था, स्टॉप वायलेंस, ठीक है ना, ऑल पार्टीज डायलॉग, मतलब बात करेंगे आपस में, और पीसफुल सॉल्यूशन सीक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इट सेड अ स्पेशल इनवॉय ऑफ एशियन चेयर विल फैसिलिटेट मीडिएशन, ठीक है ना। स्पेशल इनवॉय आएगा, स्पेशल इनवॉय ऑफ एशियन, ठीक है, क्या करेगा, स्पेशल इनवॉय ऑफ एशियन क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है, मतलब समझाना, दोनों पार्टीज के बीच में बैठेगा और समझाएगा कि भैया देश के लिए क्या सही है, ठीक है ना, और पार्टीज जो हैं उनके बीच में बात करवाएगा। शैल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है ना, विद द असिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियान, एशियान शैल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है ना। एशियान जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड थ्रू ASH, एशियान कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द स्पेशल इन्वॉय एंड डेलीगेशन शैल विजिट म्यांमार टू मीट ऑल द पार्टीज, ठीक है ना। तो स्पेशल इन्वॉय और वो सब कुछ विजिट करेंगे और पार्टीज को मिलेंगे, ठीक है ना, ये सारा उन्होंने कहा था। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो वायलेंस है वो बंद कर दो, बहुत ही ईजी है, स्टॉप वायलेंस, ठीक है। वायलेंस बंद हुआ तो सारे पार्टीज बैठकर बात करो, ठीक है। बात करने के लिए हम एक स्पेशल इन्वॉय भेजेंगे जो मीडिएशन करवाएगा, और क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, और हमारा जो स्पेशल इन्वॉय है और भी जो है वो विजिट करेंगे, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट कंसेंसस था, एंड जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड फिर हम म्यांमार के साथ नॉर्मल रिलेशन रखेंगे, एशियान ने बोला था उनके जुंटा को। बट कमांडर इन चीफ जो है वो कौन है, जनरल मिंग आंग हलियांग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कमांडर इन चीफ मतलब किसके हाथ में कमांड है पूरे म्यांमार की, कमांडर इन चीफ कौन है वहां के, कमांडर इन चीफ है मिन आंग हलियांग, ठीक है। अब इनसे बात करके आए थे, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। अब ये बार बार बोल रहे हैं हम इलेक्शंस करवा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ है म्यांमार में। तो इसलिए ये बोल रहे हैं इंडिया को कि भाई तुम बात मत करो। यूएसए भी ये चाहता है कि इंडिया जो है म्यांमार से बात ना करे, बट इंडिया क्यों बात कर रहे हैं म्यांमार से, चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना अगर अच्छे रिलेशनशिप रख रहा है उनके साथ तो हमें भी रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात, अब आगे चलेंगे हम यहाँ पर, एक मिनट, अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे। अब हमें पता है काशी क्या चल रहा है, काशी तमिल समागम चल रहा है ना, चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर तमिलनाडु से लोग यूपी आए हुए हैं, कहाँ से, तमिलनाडु से, नाडु से लोग, ठीक है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु टू यूपी आए हुए हैं, ठीक है। और क्यों लेकर आए उनको यहाँ पे, तमिलनाडु से यूपी क्यों लेकर आए, देखो यार उनको टेम्पल्स दिखाएंगे यहाँ के, ठीक है ना, कल्चर दिखाएंगे, ठीक है ना, कनेक्ट बना रहे हैं, कनेक्ट बिटवीन, पर्पस क्या है, कनेक्ट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, कि हम क्या है, हम एक हैं, ठीक है ना, आवाज दो हम एक है वाला टाइप्स, ठीक है ना। कनेक्ट पर्पस क्या है इसका, यहाँ पे लिख लो, पर्पस क्या है इसका, कनेक्ट बना रहे इंडिया और साउथ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर, कि हम कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो ये समागम हो रहा है, इसका पर्पस ये है। तो इनका पूरा बनारस में बहुत सारे टेम्पल्स पे जाएंगे, घाट्स पे जाएंगे, उनको पूरा कनेक्ट करके, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है, ये है।
ठीक है, वहां पे जयशंकर भी गए थे, एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, काशी तमिल समागम क्या है, यूपी के अंदर जितने भी मतलब बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वहां जाएंगे और ये सब कुछ। अब बात करते हैं हमारी पीटी उषा के बारे में, ठीक है, जब भी दौड़ने की बात आती है, रनिंग की बात आती है, तो पीटी उषा को याद करा जाता है ना, बोल देते हैं ना ये तो पीटी उषा की तरह भागती है ना। डेकेड जगो, डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स, वन डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए हमें, नहीं पता तो मैंने बता दिया, कोई चक्कर नहीं इसमें। व्हेन पीटी उषा ट्रैवल्ड बाय द मद्रास मैंगलोर मेल, हर एम्प्लॉयर्स द रेलवेज परमिटेड एन अनस्केड्यूल्ड स्टॉप एट हर होम टाउन पेओली इन नॉर्थ केरला, सच वॉज द रिस्पेक्ट शी गार्नर्ड फॉर हर मेडल विनिंग एक्सप्लॉइट्स एट द एशियन लेवल, वाइल द कलेक्टिव हार्टब्रेक शी बेक्विथ्स इन नैरोली मिसिंग अ ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि पीटी उषा के इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो रेलवेज के लिए काम करती थी तो रेलवेज वाले स्पेशली जो ट्रेन जाती थी, ठीक है, वो उनके गांव में वैसे रुकती नहीं थी, बट जिस दिन पीटी उषा उसमें ट्रैवल करती थी तो ट्रेन रुकती थी, इतनी रिस्पेक्ट थी उनकी, ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चलता है वो थी कहाँ की, होम टाउन कहाँ है, ठीक है ना, होम टाउन कहाँ का है उनका, पयोली, पयोली केरला, ठीक है ना, पयोली केरला से, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, हमें और क्या बात पता चलती है, रेलवे के लिए काम करती थी और उन्होंने मेडल मिस हो गया था उनका ना इस लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स में, ठीक है, 1984 के अंदर एलए के अंदर लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स हुए, ठीक है ना, और उसके अंदर नैरोली मिस्ड, क्या लिखेंगे हम, नैरोली मतलब बहुत ही क्लोज थी, नैरोली मिस्ड ब्रॉन्ज इन 400 मीटर हर्डल्स, ठीक है ना। तो ये वाला जो मतलब गेम था इसके अंदर ब्रॉन्ज मिस कर दिया था बहुत ही नैरोली, तो भाई रिस्पेक्ट तो है, ठीक है ना, इज रिमेम्बर्ड इवेंट टुडे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है यार, कौन सी ओलंपिक्स में ऐसा हुआ कि मेडल मिस हो गया था, कहाँ पर हुई थी ये, ठीक है, ये सारा। अब हम इनको याद क्यों करें, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है अब ये होल्ड कर रही है। हर लेटेस्ट अपॉइंटमेंट एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है ना, सबसे पहले ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था आपने तो हमने पढ़ लिया, पर मैंने पढ़ाया था आपको, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है ना, प्रेसिडेंट कौन बनी, पीटी उषा अभी इस टाइम पे है, ठीक है। और दूसरी दूसरी चीज क्या, अभी इससे पहले एक और, नहीं नहीं एक मिनट, हाँ ऑफ गुड, अभी ये राज्यसभा की नॉमिनेट और क्या बनी है, ये नॉमिनेटेड एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के अंदर जो है कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स बनते हैं, वो भी ये बनी इसी साल, ये सारा 2022 के अंदर ये अब इनकी मतलब पोस्ट जो ये होल्ड करते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब आके, शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईओए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले इसको, क्वेश्चन बनता है ये, आईओए की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये, ठीक है, ऑलरेडी नॉमिनेटेड मेंबर है। द गवर्नमेंट्स लीनिंग ऑन द सॉफ्ट पावर, अब ये यार सॉफ्ट पावर, किसी एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है, तो दो पावर्स होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो, एक तो सॉफ्ट पावर होती है और एक हार्ड पावर होती है, ठीक है ना। अब इसकी मैं तुम्हें बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स दूंगी और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या है, कि हमारे देश के बारे में या किसी के भी देश के बारे में दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को पता चले, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, ठीक है, तो और ये पता चला कि ये इंडिया का है, ठीक है ना, तो इंडिया के बारे में कुछ लोगों को मे बी नहीं पता हो, वर्ल्ड के अंदर नहीं पता हो, उनको पता चला नीरज चोपड़ा से इंडिया के बारे में सॉफ्ट पावर है, हमारे कल्चर के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा है, ठीक है, उसको रिकग्नाइज किया गया कि दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है ना, दुर्गा पूजा को पूरा रिकग्नाइज किया गया, यूनाइटेड नेशंस ने रिकग्नाइज किया, तो लोगों को पता चला कि अच्छा एक कंट्री है इंडिया, वहाँ पे दुर्गा पूजा ऐसा होता है, ठीक है, हमारे कल्चर से पता चला इंडिया के बारे में, यहाँ पे स्पोर्ट्स से पता चला इंडिया के बारे में या किसी और के बारे में, फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो, ठीक है ना, रोनाल्डो के बारे में हमें पोर्टुगल के बारे में पता चलता है, मे बी किसी को पोर्टुगल के बारे में ना पता हो, बट रोनाल्डो क्योंकि वो एक प्लेयर है और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है उसकी वजह से हमें कंट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। मेसी की वजह से हमें अर्जेंटीना के बारे में पता चलता है, विराट कोहली के थ्रू हमें पता चलता है अच्छा इंडिया भी है, क्रिकेट के थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा एक कंट्री है इंडिया जो क्रिकेट में बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ये तो होगी सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जिससे पता चले कंट्री के बारे में, यूक्रेन रशिया की वॉर,
यूक्रेन रशिया की वॉर, मे बी ना तुम्हें रशिया के बारे में पता था और ना ही तुम्हें यूक्रेन के बारे में पता था, ठीक है, बट जब इनकी वॉर स्टार्ट हुई तो हमें पता चला, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर, रशिया ने अटैक किया, फिर रिटेलिएट किया यूक्रेन ने, तो इससे हार्ड पावर, जब मिलिट्री का यूज हो, तो जब मिलिट्री का यूज हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलिट्री के यूज से पता चले दूसरी कंट्री के बारे में, ठीक है, या फिर हमारे कल्चर, ठीक है, ट्रेडिशंस के बारे में पता चले, उससे तो सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर हमें सॉफ्ट, हमें इंडिया के बारे में सॉफ्ट अथॉरिटी, सॉफ्ट पावर के थ्रू बताना है कि हाँ इंडिया नाम का एक देश है, ठीक है, ओके फाइन, आगे चलेंगे उसमें। और ये पावर बहुत हेल्पफुल रहती है। अब मान लो हम क्रिकेट के अंदर, ठीक है, क्रिकेट में अगर कुछ भी हो रहा है और इंडिया कहते हैं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, उनको पता है उनके व्यूज कम हो जाएंगे और उसी से तो एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाने उनको, तो वो कहीं ना कहीं हम पावर यूज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे एशिया कप जो था वो पाकिस्तान में होना था, बट हमने बोला कि भाई हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हमने अपनी टीम भेजेंगे, तो वो कहीं और हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है जो यूज करी गई है, अब यहाँ पे ना ये डिलीट हो गया, चलो नहीं मैं बता देती हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, वन दैट पोजेसेस द मोस्ट इंटेंस चैलेंज टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन किसको कह रही है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, इंडिविजुअल मतलब मैं और तुम, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप, ठीक है, कोई फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चाइना, इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना, ठीक है ना, तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरा मतलब उसी रिलेटेड में बात कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, जीके से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो पेरू को नया नई प्रेसिडेंट मिल गया, यहाँ पे भी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आई है, ये भी हमने नोट करा था, ठीक है, अगर आपने नहीं किया, पेरू न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, अब यार न्यू प्रेसिडेंट आई है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्या नाम है इनका, पेड्रो कास्ट इलो, ठीक है ना, पेड्रो कास्ट इलो, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्टोरी हो गई, क्या स्टोरी होगी, यहाँ पे ये स्टोरी होगी, जो इनका पहला नहीं, एक मिनट रुको यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी, पेरू का जो न्यू प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट है, वो है डीना बोलुआर्टे, ठीक है ना, डीना बोलुआर्टे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट, लिख लो, शी वॉज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और अब ये बन गई प्रेसिडेंट, इतना तो लिख लिया। अब हम बात करेंगे द फेमस किसके बारे में, जो ये हमने नाम लिखा था, पेड्रो कास्टिलो। अब पेड्रो कास्टिलो ने क्या किया, इसने, अगर मैं हिंदी में बोलूं, कलोल, वर्ड सुना है तुमने, कलोल, कलोल कर दी इसने, क्या कलोल कर दी, ये कहता कि मैं तो डिक्टेटर बनूंगा, ठीक है, क्या कहता है, ये वॉज द फॉर्मर, क्या था ये, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, ठीक है, अ फॉर्मर प्रेसिडेंट था। इसने क्या किया, इसने दो चीजें करी बड़ी भयानक भयानक। सबसे पहली चीज इसने क्या करी, पढ़ लेते हैं, ठीक है, मिस्टर कास्टिलो अनाउंस द डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस ऑन दिसंबर 7 अ फ्यू आवर्स अहेड ऑफ अ शेड्यूल्ड इम्पीचमेंट वोट। एंड मतलब वो क्या कर रहा था, डिसॉल्व करी उसने कांग्रेस और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता था, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इसने किया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहता था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टी, ठीक है, क्यों, टू बिकम डिक्टेटर, ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। अब ये क्योंकि ये करना चाहता था, बिकम डिक्टेटर बनना चाहता था, ठीक है, तो क्या किया इन्होंने इसको इम्पीच कर दिया, इम्पीचमेंट टुक प्लेस। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनके साथ पहले भी हो चुका है ये, ठीक है, 1992 में, ठीक है ना, अर्लियर Also happened, पहले भी हो चुके हैं इनके साथ, पेरू वालों के साथ। तो ये कहते हैं हम खिलाड़ी हैं, हमें पहले भी पता है क्या होता है। तो 1992 में इनका एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम क्या था, एल्बर्टो फुजीमोरी, ठीक है ना। अब ये जेल के अंदर बैठा बेचारा, सस्पेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेंट टू, ठीक है, सस्पेंड किया इसने until 2000, ठीक है ना। अब इसने 1992 के अंदर, ठीक है, इसने क्या किया, सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम डिक्टेटर टिल, कब तक, टिल 2000, ठीक है ना। अब तो जेल में है, लिख लें, अब 2000 तक ऐसा किया, नाउ इन जेल,
बट अब ये करना चाहता था बट ये कर नहीं पाया, ये अपने दिल के अरमा आंसुओं में बैठ गए, बह गए बेचारे के। हमें क्या रखना है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है पेरू की, और ये करने वाला था। कौन करने वाला था? कहाँ गया? पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है ना, ये करना चाहता था, डिक्टेटर बनना चाहता था ये, बट इसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में फ्लॉगिंग हो रही है, ठीक है, मारा जा रहा है, ओपनली फ्लॉग्ड, मतलब वो जो होता है ना, मतलब किसी बहुत रस्सी से, मोटी से या चेन से मारना कि जब तक बंदा मर ना जाए, ठीक है, वो कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्लॉग कर रहे हैं, मतलब गर्दन काट रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं वहां पर अफगानिस्तान में। तो ये क्यों कर रहे हैं? लास्ट मंथ अफगानिस्तान सेल्फ स्टाइल सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखुनजादा डिक्री दैट केसेस इन विच शरिया कंडीशन ऑफ हर्डर्ड क्राइम्स अगेंस्ट गॉड एंड किसास जस्टिफाइड रिटेलिएशन वर फुलफिल्ड, जजेस मस्ट इम्प्लीमेंट इस्लामिक पनिशमेंट बिकॉज दिस इज द रूलिंग ऑफ शरिया। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, और उनका एम क्या था? उनका बेसिकली एम यह था कि इस्लामिक रूल होना चाहिए, ठीक है ना, उनका एम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक होना, रूल्स जो लॉज है वो फॉलो होने चाहिए, और इस्लामिक लॉज के अंदर हुडूद जो क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट गॉड है, किसास क्या है, जस्टिफाइड रिटेलिएशन। अब यार इसके अंदर क्या किया, अब जैसे ही इस्लामिक लॉ आया इन बीइंग, 11 मेन एंड 3 वुमेन वर पब्लिकली फ्लॉड बाय तालिबान फॉर कमिटिंग मॉरल क्राइम सच एज थेफ्ट एंड एडल्ट्री। अब यार किसी ने चोरी कर ली, ठीक है ना, उसको जान से थोड़ा ना मारोगे, मतलब इंडिया के अंदर या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे उसको जेल में डालेंगे, उसको समझाएंगे कि भैया ऐसा नहीं करना तुम्हें, है ना। ये लोग तो पीट पीट के, मतलब पब्लिकली बंदे को मारते हैं, ठीक है ना, टू हिट समबडी हार्ड सेवरल टाइम्स विद अ स्टिक और अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ लेदर एज अ पनिशमेंट, ठीक है ना। तो ये होती है फ्लॉगिंग यार, इन्होंने मतलब ये पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दी इन जुलाई। अब वो कह रहे, अब ये बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, अपने जो ऑर्डर है वो क्या बात करें, मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पे वो सूडान की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था ना, इंडोनेशिया के अंदर लॉ आ गया है कि अगर कोई भी सेक्स आउटसाइड मैरिज करेगा, मतलब अगर ए और बी की शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और वो ये सेक्स कर लेते हैं, तो भैया इनकी वाट लग जाएगी इंडोनेशिया में, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वहां पर लॉ आ गया है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, सूडान के अंदर क्या हुआ, वुमेन टू डेथ फॉर स्टोनिंग फॉर एडल्ट्री, मतलब आउटसाइड मैरिज इन्वॉल्व थी किसी के साथ, तो उसको मार दिया, स्टोनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर क्या लॉ लेकर आए हैं कि सेक्स आउट ऑफ मैरिज जो है पनिशेबल होगा, ठीक है ना, ऑन कंप्लेंट्स बाय स्पाउस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंडिया के अंदर तो आधा इंडिया जो होगा ना जेल में होगा, सच बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉन्ग्रीज ऑफ फॉसिल, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यार ये लोग जो है ना कुरान को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, कुरान के बाद जब मतलब कुरान के को फॉलो ना करते हुए जो क्लर्जी हैं, क्लर्जी मतलब जो हेड्स हैं इस्लाम के, ठीक है, मुल्ला हैं, मौलवीज हैं, जो वो कह रहे हैं ना, जो वो लिख गए हैं उनको फॉलो करें, ना कि कुरान को फॉलो करें, क्योंकि कुरान इन सब चीज़ों के बारे में ये नहीं कहती, ना वो फ्लॉगिंग के लिए बोलते हैं ना कुछ और। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि द फैक्ट इज मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज ट्रीट द कुरान एंड बुक्स ऑफ हदीद एज नथिंग मोर देन कॉन्जरीज ऑफ फॉसिल्ड कोड्स, क्या मतलब, डिसऑर्डर कलेक्शन जम्बल्ड। वो क्या कहते हैं कुरान को, कि मतलब बस एक वो है, उसको फॉलो नहीं करते हैं कुरान को। For centuries, Muslim jurists have defined hudud as prosecutable offenses against Allah, such as adultery, fornication is sexual intercourse between people not married to each other, अच्छा ठीक है, तो फॉर्निकेशन का मतलब क्या होता है कि अगेन अगर आप मैरिड नहीं हो एंड यू आर हैविंग सेक्स देन दैट इज एन ऑफेंस, तो ये माना जाता है। अपोस्टेसी इज रेनोसिएशन ऑफ रिलीजन, आप रिलीजन को गिव अप कर देते हो, ठीक है, तो ये सब ऑफेंसेस हैं एंड उसके अंदर हुडूद जो है वो क्राइम्स माने जाते हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कुरानिक सिन ऑफ जीना, कंसेक्चुअल सेक्स आउटसाइड मैरिज, जिस जीना किसको बोलते हैं कि अगर ए और बी की शादी हो चुकी है, ठीक है ना, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, ठीक है, तो ए जो है वो अपनी वाइफ बी से पूछकर सी के साथ सेक्स करता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये होता है जीना, सेक्स कंसेंचुअल मतलब कंसेंस मतलब कंसेंट से, ठीक है ना, कंसेंट से अगर वो सेक्स करे आउटसाइड मैरिज उसको जीना बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब सुन्ना किसको बोलते हैं, जो मुस्लिम कैलिफेट्स एंड देयर क्लर्जी विद इवन विच इवन इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम ऑफ प्रॉफिट प्रैक्टिस सुन्ना। अब यार यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ें नोट करनी है, इतनी ज़्यादा हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, सॉरी फॉर द बर्ब, तुम्हें ही याद रखना है कि अफगानिस्तान का सबसे पहले तो सुप्रीम लीडर कौन है, अफगानिस्तान सुप्रीम लीडर, ठीक है,
कौन है? हिबातुल्ला, अखुंड ज्यादा, ठीक है ये है, चलो इनका नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। उसके बाद दूसरी चीज हमें यहाँ पर, ठीक है ना, डिक्रीड अलाउ सेड हुडूड शरिया कंडीशंस ऑफ सेड सेड शरिया कंडीशंस ऑफ, कौन सी, ऑफ हुडूड एंड किसास एप्लीकेबल, ठीक है ना, अब अप्लाई कर दी अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान, ठीक है ये कर दी। अब यहाँ पे हमें पता चलना है, बताना है कि हुडूड क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हुडूड का मतलब है, हुडूड का मतलब है क्राइम्स अगेंस्ट गॉड। यार अब इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी हुई है कि अडल्ट्री जो है क्राइम अगेंस्ट गॉड है, आप रिलीजन को गिव अप कर देते हो क्राइम अगेंस्ट गॉड है, ठीक है, आप शादी नहीं हुई है सेक्स कर रहे हो क्राइम अगेंस्ट गॉड है, ठीक है। किसास को इन्होंने इतना नहीं दिया, हुडूड वाला अगर किसास लिखने देते हो जस्टिफाइड रिटालिएशन, दैट इज अगर आप किसी को मार रहे हो, ये सब कुछ जस्टिफाई किया हुआ है कि फ्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब किसी को रस्सी से पीट रहे हो और वो एज ए पनिशमेंट दे रहे हो, तो इट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये है, उसके बाद हुडूड जो है क्राइम्स अगेंस्ट गॉड है, और किसास क्या है ये भी लिख ही लेते हैं, किसास इज जस्टिफाइड रिटालिएशन, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया लॉज। अब सूडान के अंदर तो नहीं, जो इंडोनेशिया वाला पॉइंट है अगर आपने नहीं नोट किया है, इंडोनेशिया में सेक्स सेक्स विदाउट मैरिज, सॉरी सेक्स विदाउट मैरिज एंड ऑफेंस, ठीक है ना, ये इंडोनेशिया ने डिक्लेयर कर दिया। यार अब मतलब वो बाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते थे वो खत्म हो गया, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब फिर तो पंगा हो जाएगा, तो सब तुम मॉलडीव जाएंगे, सब बाली बंद ना, मॉरिशियस मॉलडीव इनका बिजनेस चलेगा सही। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। द बिल टू अमेंड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन दिसंबर 7। ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस अलेज्ड दैट द बिल्स प्रोविजन इनक्रोच अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये कॉपरेशन कॉपरेटिव क्या होते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने कॉपरेटिव का मतलब यहाँ पे समझाया, तो हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस, ठीक है चलो ये तो हमें यहाँ से पढ़ते हैं, कॉपरेटिव आर पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेस जॉइंटली ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय एंड फॉर देयर मेंबर्स टू रियलाइज कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। अब इसको ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, कॉपरेटिव क्या है, कॉपरेटिव कॉपरेशन कॉपरेटिव क्या है, पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, लोगों के अराउंड क्या है इनका, लोगों के लिए, पीपल के अराउंड चलने वाली, पीपल के लिए चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर वन, जॉइंटली ओन्ड, इसको ओन कौन करते हैं, वो पीपल ही, यही लोग हैं जिनके लिए है और यही ओन करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं, यही ओन करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं। बट इनका मेन मकसद, पर्पस क्या है इनका, पर्पस इज इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स, ठीक है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये सिंपल अमूल, ठीक है, कहाँ तो एक एक किसान, यहाँ पे आप लगा लो एक एक, यहाँ पे सब, ये सब काउस पालते हैं सब, ठीक है ना, काउस पालते हैं सब के सब। अब कहाँ तो ये अलग अलग जाते हैं घरों में दूध डाल कर आते हैं, हर जगह जाते हैं, ये देखो अमूल की एग्जांपल दी होने यहाँ पे, क्योंकि अमूल सबसे बड़ा एग्जांपल है कोऑपरेटिव्स का, ठीक है। अब कहाँ इन्होंने क्या किया कि चलो आओ भाइयों बहनों हम सब एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम चलाया पूरा कि भाई घर घर से दूध इकट्ठा किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा एंड फिर हम दुनिया भर और इंडिया में उसको बांटेंगे, दूध से हम मक्खन भी बनाएंगे, बटर भी बनाएंगे, मलाई भी बनाएंगे बढ़िया सही, ठीक है, और भी बहुत कुछ करेंगे, राइट। तो ये लोग अब एक साथ, मतलब कॉमन था भाई सब गायें पाल रहे हैं, मेन तो यही था ना, बफेलो काउज और ये सब है, तो दूध है इनके पास, दूध कॉमन था और दूध से इन्होंने एक आपस में इकट्ठे आ गए तो फायदा हुआ ना। कहाँ तो किसी ने इनको दूध देने से हटा दिया, लगा दिया, कहाँ इनको, बस इनका क्या काम था कि इनको एक साथ आ गए तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रीजन तक नहीं सीमित रहे, गुजरात के अंदर सीमित नहीं रहे, पूरे इंडिया में पहुंचे और वर्ल्ड में पहुंचे, बिकॉज एक साथ आ गए ना, ठीक है। तो ये है कॉपरेशन कोऑपरेटिव, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये पार्ट आप लिख सकते हो, अमूल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बिल के बारे में हम सबसे पहले तो बिल का नाम लिख लेते हैं, मतलब एक्ट पहले से लॉ है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, MSCS एक्ट 2002, बढ़िया,
ये लिख लेंगे। अब इसके अंदर वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसको अमेंड करें। अमेंडमेंट का मतलब होता है अमेंडमेंट, अमेंड का मतलब क्या होता है, चेंज। ठीक है, अमेंड का मतलब इसमें चेंज लेकर आ रहे हैं। अब क्या चेंज क्या लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, 2022 के अंदर इसको लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब प्रपोजल, लोकसभा बिल इंट्रोड्यूस्ड। बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल, कि भैया मान जाओ, ठीक है ना, बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल, ठीक है, लोकसभा में आ गया। अब क्या प्रपोजल है, क्या चेंज लेकर आ रहा है, और दूसरे दुख क्यों बना, दूसरी जो पार्टीज हैं वो क्या कह रही हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। वो कह रही हैं कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, ये स्टेट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है, स्टेट के पास पावर है, ठीक है ना, कॉरपोरेशन जो है वो स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ लेते आगे। टू प्लग द लूप होल्स, लूप होल्स मतलब जो गैप्स होते हैं किसी चीज में, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हैं जो किसी लॉ के अंदर या किसी भी चीज में लूप होल्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम पहले मेरे पास पढ़ने आते थे, तुम्हें नोट्स नहीं बनाने आते थे, ठीक है, तो ये एक लूप होल था कि मैं बहुत, मतलब तुम्हें, तुमसे नोट्स नहीं बन रहे, तो मैंने साथ में बनाने पर लगे, तो हमारे एक प्रॉब्लम थी, ये लूप होल था, उसको हमने खत्म कर लिया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्या लूप होल्स हैं इस एक्ट के अंदर, 2002 का एक्ट है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये एक्ट का नाम है और ये इंपॉर्टेंट है, 2002 का एक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अ बिल सीकिंग टू अमेंड 2002 लॉ फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, या ट्रांसपेरेंसी को हम ऐसा समझते हैं, बॉटल होती है, बॉटल कैसी होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होती है और जिससे हमें नहीं दिखता वो भी होती है, ओपेक भी कह देते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा थोड़ा दिखता है, जिससे बिल्कुल नहीं दिखता, कलर्ड बॉटल्स है, नहीं दिखता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल में पानी डालोगे तो हमें पता चलेगा भाई अंदर अगर कीड़ा घूम रहा है तो भाई कीड़ा है, ठीक है। वही कलर्ड बॉटल है, उसमें क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता, ठीक है ना, हम तो पानी पी जाएंगे और साथ में कीड़ा भी पी जाएंगे, बढ़िया है ना। तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे बॉटल ट्रांसपेरेंट है उससे हमें सब कुछ पता चलता रहता है कि अंदर क्या है क्या नहीं, वैसे ही वो कहने सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि चल क्या रहा है कॉरपोरेशन के अंदर, कर क्या रही है, अगर उसके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है तो वो उसका कर क्या रही है, ठीक जगह तो लगा रहे हैं, बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स के लिए लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जानना इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए लेकर आ रहे हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ये जो ये बिजनेस करना चाहते हैं कॉपरेटिव, इनका मेन मकसद पर्पस क्या है, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना, वो जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आ सके, राइट। उसके बाद हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव गवर्नेंस, रिफॉर्म द इलेक्टोरल प्रोसेस, स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड मैकेनिज्म्स एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है भाई, बहुत हो गया ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। द बिल ऑल्सो सीक्स टू इंप्रूव द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन होगा मेंबर बोर्ड का, कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड है उसका मेंबर कौन कौन होगा, उसको कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, भाई जो पैसा आ रहा है उसका सबसे ठीक ढंग से हो रहा है, ठीक है। द बिल प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी टू सुपरवाइज द इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ MSCs, ठीक है। तो जो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अब इनके अंदर हेड कौन बनेगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या लेकर आएंगे, इसमें सजेशंस क्या है, ठीक है, बिल क्या कह रहा है। तो ये याद रखना है कि अभी ये लॉ नहीं बना है, तो बिल क्या लेकर आ रहा है, सबसे पहली चीज बिल लेकर आ रहा है क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है ना, जो इंटरनल इलेक्शंस देखेगा, ये बस ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है ना, वुड टेक केयर ऑफ इंटरनल इलेक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद टेन्योर सेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन्योर वाला तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का, टेन्योर सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, टेन्योर किस किस का सेट कर रहे हैं, टेन्योर का सेट क्यों, टेन्योर मतलब कितनी देर के लिए चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन इलेक्शन होने के बाद कितनी देर के लिए वो गद्दी पे बैठेगा, ठीक है ना, कितने सालों के लिए, वाइस चेयरपर्सन ये कहते हैं 3 ईयर्स के बाद टाटा बाय बाय, री इलेक्शन हो गए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिंग दीज अमेंडमेंट्स, अब इन्होंने यार ये ऑब्जेक्शन तो मेन यही है इनका कि भाई स्टेट की लिस्ट में आता है, ठीक है ना, नोटेबली द कॉन्स्टिट्यूशन डोमेन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज अपहेल्ड बाय, ठीक है ना। अब ये वाली चीज की ये स्टेट लिस्ट में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना, किस में आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये इसकी वजह से यही चीज जो थी वो कहते हैं कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विच वॉज सेट असाइड, स्ट्रक डाउन मतलब खत्म कर दिया था इसको, स्ट्रक डाउन कौन सी जजमेंट के थ्रू, स्ट्रक डाउन बाय
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, ये सिर्फ जो लॉ वाले बच्चे हैं वो नोट करेंगे, बट सबको ये पता होना चाहिए कि जो ये, एक मिनट मैं बता रही हूँ सबको क्या पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि भैया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड थी। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने करा कि द वर्ड कॉपरेटिव वॉज एडेड टू आर्टिकल 19(1)(c), जिसके अंदर कहा गया ऑल सिटीजन शैल हैव द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, और उनका कॉपरेटिव भी इसमें ऐड कर दो, दिस इनेबल्स ऑल द सिटीजन टू फॉर्म कॉपरेटिव, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी ये वर्ड ऐड करा गया, बट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल जो थी वो सेटिसाइड कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस जजमेंट के थ्रू सेटिसाइड कर दिया और क्या बोला कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पता है हमने डिटेल में बात कर लिया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक लॉ है और उसका नाम क्या है, उसका नाम ये है और वो कौन से ईयर में आया था, ये एमसीक्यू बन सकता है कौन से ईयर में आया था। उसके बाद 2022 के अंदर लोकसभा में बिल लेकर आए और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये कि कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। चेंजेस जो मेजर करें वो टेन्योर से रिलेटेड करें, इंटरनल इलेक्शंस की, मतलब जो प्रेजिडेंट चेयरपर्सन बनेंगे उसके इलेक्शंस को देखेंगे कि सही हो रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं हो रही है उसके अंदर, ठीक है, और उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी थी कि भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, यहां से यही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे हम यहां पे, अब फोर्स रिलीजियस कन्वर्जेंस, अब यार रिलीजियस कन्वर्जेंस के बारे में हम बार बार क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई हो रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि भाई रिलीजियस कन्वर्जेंस जो है उसके ऊपर कोई लॉ आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिलीजियस कन्वर्जेंस बेसिकली जो फ्रॉड या फोर्स से हो रही है, फ्रॉड और फोर्स से, ठीक है ना, ठीक है, वो कहते हैं इज नॉट राइट। अब यहाँ पे हमारे लिए जो हमारे लिए फैक्ट है ना कि उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट, उड़ीसा क्या है, फर्स्ट स्टेट बनी, पहली स्टेट बनी, क्या बनी, उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जेंस, ठीक है ना, उड़ीसा क्या बनी, फर्स्ट स्टेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट अ लॉ रिस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्जन, ठीक है, फर्स्ट स्टेट बनी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आया ये लॉ, 1967 में, ठीक है, ये हम पहले भी नोट डाउन कर चुके हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट है तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हम अगर यूसीसी की बात करें, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी वन रिलीजियस कन्वर्जन इज की फोर्सफुली कह रहे हैं कि अरे यार अगर तुम बी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओगे हम तुम्हें इतना पैसे देंगे, या फिर धोखे से कुछ करवा रहे हैं, फोर्स से करवा रहे हैं, अगर नहीं हो गए तो हम मार देंगे, ऐसा कुछ करवा रहे हैं तो वो गलत है। अब यहाँ पे बात हो रही है एंड टू एंड इंक्रिप्शन की, भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती क्या है, ठीक है, जब हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप हमें बार बार बोलते हैं कि जो भी आप बात कर रहे हो वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, इट इज ठीक है, इट इज कुछ पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था मैगजीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात अगर हम करें, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है कि अगर मैंने तुम्हें मैसेज भेजा, चलो किसी का नाम लेते हैं, अगर मैंने लल्लन को मैसेज भेजा, ठीक है, लल्लन जो चार्ट में है इसको मैसेज भेजा मैंने, तो वो लॉग तो एजुगिरी और लल्लन की बात है, ठीक है, ये डीजे को नहीं पता चलेगा कि क्या है। अब देखो मैंने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप यूज करके मैंने मैसेज भेजा या फिर इंस्टाग्राम यूज करके मैंने मैसेज भेजा लल्लन को, ठीक है, अब वो लल्लन को पता है मैंने क्या लिखा है या मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम भी नहीं देखेगा भाई क्या है, नो डाउट उनका ही प्लेटफॉर्म है तो वो होती है इंक्रिप्शन, या कोई और नहीं देखेगा, थर्ड पार्टी नहीं देख पाएगी। तो पढ़ते हैं क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इंक्रिप्ट डाटा बींग शेयर बिटवीन टू डिवाइसेज, इट प्रिवेंट्स थर्ड पार्टीज लाइक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम असेसिंग डाटा। थर्ड पार्टी मतलब ये तो क्या ही देखेंगे, थर्ड पार्टी मतलब जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एंड टू एंड का लिख लेते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब नो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट द सेंडर एंड रिसीवर कैन असेस द डाटा, ठीक है ना भैया, जो भी हम भेज रहे हैं ना, जो भी मैसेज कुछ भी भेज रहे हैं वो हम या ए टू बी जा रहा है तो ए टू बी ही देख सकता है, ठीक है, वो नहीं देख सकता, कौन नहीं देख सकता, ना तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है,
ठीक है, ना क्लाउड प्रोवाइडर जहाँ पे मतलब डाटा रखा हुआ है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, साइबर क्रिमिनल भी नहीं देख सकते। तो मतलब जो हम भेज रहे हैं बस वो हमें और जिस बंदे को भेज रहा है उसको ही पता है कि भैया क्या है स्टोरी, तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। अब एप्पल का कहता है कि हम अपनी जो प्रोटेक्शन है वो और बढ़ाएंगे। एप्पल ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड इट विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स प्रोटेक्टेड बाय एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन आईक्लाउड फ्रॉम 14 to 23 कैटेगरीज। ठीक है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है एप्पल इंक्रीज करेगा, कौन से पॉइंट से, एप्पल टू इंक्रीज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है ऐसे लिख दूं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंक्रीज करेगा, कहां से 14 to 23 कैटेगरीज तक ले जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, बस हमें ये याद रखना है कि कौन अपनी इंक्रिप्शन जो है सेफ्टी जो है बढ़ा रहा है। एप्पल कहता चक्कर ही नहीं, कोई किसी को नहीं देखने दूंगा कि तुमने क्या भेजा क्या करा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं G20। अभी थोड़े दिन पहले हमने क्या बात करी थी, हम क्या बन गए G20 के, राजा या रानी दोनों ही बन गए, है ना, क्या फर्क पड़ता है, तो हम बन गए प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट फ्रॉम 1st December, ये हर कोई याद रखेगा, ये 1st December 2022 की जो तारीख है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो ऑप्शन देंगे 1st January 2022, तो मिलेगा हाँ यार 2023 की मेंबरशिप है तो 1st January से स्टार्ट होगी, दिस इज कॉमन सेंस। नो, 1st December 2022 से हमारी मेंबरशिप G20 की, सॉरी प्रेसिडेंटशिप जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्टी, सबको खिला दें समोसे, बट समोसे खाने के लिए, चाय पिलाने के लिए वजह तो चाहिए, तो ये वजह ढूंढ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंस के एरिया में ये लोग क्या करेंगे G20 के, वो हम पढ़ लेते हैं। अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है ना, क्रिप्टो जो है ना वो हर कंट्री की दुख की वजह बन गई है, क्यों, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं जिनको भी फाइनेंशियल क्राइम करना है वो सारे अपना ट्रांसफर जो वो क्रिप्टो के थ्रू कर रहे हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेटेड और रेगुलेटेड कुछ लॉ रूल्स ऐसा लेकर आएंगे जो क्रिप्टो को हम रेगुलेट कर पाएं। ठीक है, मैनेजिंग डेट वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना भाई, जो ये रिसेशन आ रहा है, डेट वल्नरेबिलिटी है, जो कंट्रीज जैसे दिवाला निकल गया श्रीलंका का, पाकिस्तान उस रास्ता पे चला हुआ है, ठीक है ना। रीओरिएंटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल फोकस एरियाज ऑफ फाइनेंस ट्रैक एजेंडा फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंटशिप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है हमारे लिए, ठीक है ना, निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो G20 का क्या क्या बनता है, ये बनता है फोकस एरिया ऑफ द फाइनेंस ट्रैक। ठीक है ना, फोकस एरिया ऑफ द फाइनेंस ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, ये बहुत ही इजी कि भैया रेगुलेट, ये लिखेंगे कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल कर करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ वाला सीन है इनका। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू रेगुलेटिंग, किसको रेगुलेट करेंगे मिलकर, क्रिप्टो एसेट्स को। ठीक है ना, कि जो पैसे पता तो चले कौन किसको पैसा भेज रहा है, कहाँ से आ रहा है ये। ठीक है, तो वो करेंगे कोऑर्डिनेटेड, कुछ रूल वूल बनाएंगे। ठीक है, ये इनका मिशन है। ठीक है, दूसरा मिशन क्या है, दूसरा मिशन मैनेजिंग डेट वल्नरेबिलिटी। ठीक है ना, कोई कंट्री डेट में चल रहा है, ये सब कुछ ही होगा इसके अंदर भी। ठीक है, ये याद करना है, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारे क्या है, रीओरिएंटिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, मतलब जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक करना, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF हो गया। ठीक है ना, ये सब मतलब फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीओरिएंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये इनका G20 का इंडिया का एजेंडा है, विद द फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हो रही है। अब यार देखो, इनकी मीटिंग्स तो बहुत सारी होंगी। ठीक है ना, इन्होंने कहा 40 मीटिंग्स होगी, अब हर मीटिंग थोड़ा ना हम याद करते फिरेंगे, इतने वेले नहीं हम। ठीक है, पर फर्स्ट मीटिंग हमें याद रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट मीटिंग जो इनकी है, फर्स्ट मीटिंग कर्नाटका के अंदर हो रही है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। अब यार तुम्हें ये याद करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने G20 के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कि G20 के ना दो एजेंडाज चलते हैं साथ साथ। वो कौन कौन से चलते हैं, एक तो इनका फाइनेंस का एजेंडा चलता है, फाइनेंस वाला कौन चलाता है, फाइनेंस मिनिस्टर्स चलाते हैं,
प्लस जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं या हेड्स होते हैं वो चलाते हैं कंट्रीज के, और दूसरा एजेंडा हो जाता है जैसे टेररिज्म को देखना, ये सब मतलब ये फाइनेंस वाला चीज ये देखता है, और बाकी सारी चीजें दुनिया भर की दूसरी एक टीम होती है वो मतलब मेंबर्स जो होते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना, मतलब ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना ये सब कुछ, वो इकोनॉमी वाला ट्रेड वाला वो सब देखते हैं, ठीक है, या कोई और बात करनी है वो। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स G20 की जो है वो कहाँ पर हो रही है, कर्नाटका, जहाँ पे कर्नाटका के अंदर हो रही है, ठीक है, कर्नाटका के अंदर हो रही है ये, हाँ ठीक है, कर्नाटका के अंदर होगी, फाइन गुड, आगे चलेंगे, बस यहाँ से हमने यही उठाना था, समझ में आ गया। अब विज हिंजम, ये हमें मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, या तुम्हें याद है, या तुम मुझे बताओगे, कभी तुम भी मुझे कुछ बता दिया करो, बोर नहीं हो जाते मेरे से सुन सुन के, प्रोटेस्ट क्यों हो रही है वहां पे, बताओ जल्दी से, वाई आर दे प्रोटेस्टिंग, क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है, बेचारों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है बिकॉज वहां पे क्या बन रहा है, अदानी क्या कर रहा है, अदनानी अदनान सामी क्या कर रहा है, अदानी जो है वहां पे पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, अदानी क्या कर रहा है, अदानी कहता पोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, पोर्ट क्यों बना रहे हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ठीक है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो कहते, ठीक है ना, क्योंकि एक इंटरनेशनल रूट जो है वो पास से जाता है, इंटरनेशनल रूट पास से जाता है, लिख लो ऐसे, इंटरनेशनल रूट है पास में, है पास में, ठीक है, और मतलब डेप्थ है, रिक्वायर्ड डेप्थ नेचुरली हैविंग डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर पोर्ट, ठीक है, और ये सब चीजें हैं, ठीक है, और वो बेनिफिट करेगा पूरे के पूरे केरला को। अब ये है कहाँ पे, वेयर इज इट सिचुएटेड, केरला के अंदर है, ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तुम तो कह रहे हो एक तो इकोनॉमी है कि भैया पोर्ट बना रहे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बट दूसरा पॉइंट जो हमारा है इन्वायरमेंटली, इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये कोस्टल इरोजन कॉज कर रहा है, कोस्टल इरोजन कॉज कर रहा है, कहाँ पर, केरला की कैपिटल में, जिसका नाम बहुत ही लंबा है, थिरुवनंतपुरम, ठीक है, यहाँ पर कोस्टल इरोजन पहले ही बहुत है और इससे और होगा, तो जहाँ वहाँ के फिशर फोक्स हैं, कौन से फिशर फोक्स, फिशर फोक्स कौन है, जो फिशिंग करते हैं वहाँ पे, तो उनका क्या इफेक्ट हो रहा है, एक तो लाइवलीहुड क्या होता है, जिससे वो कमा रहे हैं, ठीक है, फिशिंग से, और एक हाउस, रहने की जगह, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया हमें रिहैबिलिटेट करो, ठीक है, हमें जगह दो और हमें कमाने का भी साधन दो, ठीक है, तो ये हो रहा है वहां पर। अब कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एक और पॉइंट नोट करने वाला है, इनकी हेल्प कौन कर रहा था, प्रोटेस्ट लेड बाय लिख लो, लैटिन आर्कडियोसिस, ठीक है, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टार्टेड, दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, पहले इन्होंने सीज कर लिया था, मतलब पूरा घेर लिया था कि हम नहीं करने देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, यार अब इससे अच्छे माइंड मैप्स बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी ये बेस्ट है, वी कैन इम्प्रूव ऑलवेज। अब यहाँ पे वही म्यांमार के बारे में ईशान क्या कह रहे हैं कि तुम टिक जाओ, क्या कह रहे हैं, टिक जाओ, किस किस को बोल रहे हैं, इंडिया को बोल रहा है, ठीक है ना, और कोलंबो को, मतलब श्रीलंका को भी बोल रहा है, ठीक है, श्रीलंका को भी बोल रहा है। अब यहाँ पे इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव मेंटेन दैट टाइज, इंडियाज टाइज विद म्यांमार आर इंपॉर्टेंट गिवन दैट दे शेयर अ पोरस बॉर्डर विद इनकर्जेंस बाय मिलिटेंट्स एंड नीड टू एंगेज द मिलिट्री लीडरशिप एज रीजनल राइवल्स लाइक चाइना डू, ठीक है, तो इंडिया क्या बोल रहा है कि देखो एक तो हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, वहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, म्यांमार से तो रोहिंग्याज आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज, हम कैसे ना बात करें भैया, और दूसरा तुम चाइना को भी रोको, ठीक है ना, ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा कहता मैं, हमारे घर में ऐसा होता था पनीर की सब्जी बनती थी तो हम सब भाई बहन कहते थे कि हमें पनीर की सब्जी दे दो, ठीक है ना, तो अब मम्मी कहती थी कि भैया ये तुम्हारा जो है ये नहीं खाता है तो हम इसको खाने दो, तुम लोग दाल के साथ खा लो, तो हम कहते ऐसा कैसा हो सकता है ना, अगर ये पनीर खा रहा है तो हम भी खाएंगे, ठीक है, वही वाली बात है, पनीर वाली बात, इंडिया कह रहा है चाइना को भी रोको तभी हम रुकेंगे, ठीक है, और इंडिया गलत भी नहीं है इस मामले में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है, फिर चाइना आके वहां पे बॉर्डर पे बैठ गया, फिर पंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिमाचल के न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और ये हमें रट्टा मारना पड़ेगा, क्या नाम है इनका, सुखविंदर सिंह सुखू, सुख देने वाले, दो दो बार नाम में सुख आ रहा है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा सुख, सुख मतलब सुकून और सुख, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन कौन जा रहा है छुट्टियों में हिमाचल प्रदेश, इस बार पढ़ नहीं लेना चाहिए, वैसे तुम्हें एक दो दिन का रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई पर आ जाओ,
सही में मैं भी ये करूंगी। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुख, एक बार, सुखविंदर सिंह, दोबारा से सुख। क्या रखेंगे ये हिमाचल को? बहुत ज्यादा सुखी, और दैट इज वाई तो ये कांग्रेस के हैं। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन आता नहीं कहाँ के, हमें बस ये याद रखना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, बीजेपी यहाँ पे हारी है, कांग्रेस आ गई, सबको मिल गया कुछ ना कुछ। दिल्ली वालों को, आप वालों को दिल्ली मिल गई, ठीक है, बीजेपी वालों को गुजरात मिल गया, और कांग्रेस वालों को हिमाचल मिल गया। तो इस बार जो वो डिबेट्स हो रही थी ना, उसमें मजा ही नहीं आया था। वो कहते देखो देखो हम वो जीत गए, सबको भगवान कहता है, लो सबको कुछ ना कुछ दूंगा। गोवा के अंदर फेज वन ऑफ मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे ये मोपा कौन सा एयरपोर्ट है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है ये? गोवा, गोवा यार, गोवा जाना है मुझे। पिछले साल मैं गई थी गोवा, आई वेंट टू गोवा, मार्च मार्च में थी, नहीं पता नहीं, मुझे याद नहीं कहाँ गई थी, गई थी पर मैं गोवा। अब वहाँ पे नॉर्थ गोवा, इन नॉर्थ गोवा के अंदर, ओ आई सी, अभी तक तो एयरपोर्ट वाज इन पता नहीं वास्को दामा में था। ही सेड द एयरपोर्ट वुड बी नेम्ड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट का नाम क्या होगा ये मोपा वाले का? ठीक है, मनोहर, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्यों भाई मनोहर क्यों होगा? क्यों होगा मनोहर? क्योंकि वहां के सीएम थे कौन? कस किसके? आफ्टर फॉर्मर, मतलब जो पहले रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, क्या नाम है उनका? बहुत काम किया यार इन्होंने, मतलब मनोहर पारिकर था उनका नाम, बहुत काम किया। मतलब इस बंदे ने इतना काम किया, मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं कि एक्टिवा भी चला होता था, एक्टिवा भी नहीं स्कूटी भी चला होता था, फील ही नहीं देता चीफ मिनिस्टर की, मतलब चीफ मिनिस्टर हो तो ऐसा। हमारे यहाँ देखो चीफ मिनिस्टर निकलता है, उसके आगे 15 गाड़ियाँ, पीछे 15 गाड़ियाँ, सब ब्लॉक कर देते हैं। चलो प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, उड़ा ना दे, ठीक है, पर ये बंदा था। द मोपा एयरपोर्ट इज द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा विच इज ऑपरेटेड एज अ सिटी इनक्लेव फ्रॉम द नेवल एयर स्टेशन। हाँ, वो नेवी के एयर स्टेशन से ये लोग करते हैं, सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये गोवा में। ठीक है, पहला इनका मेरे ख्याल वास्को दा आम है, पता नहीं यार इनके इनके रेलवे स्टेशन का भी कुछ ऐसा सही नाम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, चलो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट को क्या नाम दे रहे हैं? ऐसा ही एक और तुम्हें याद करवाऊँ, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या रखा है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक है ना, ये भी अभी थोड़े महीने पहले ही रखा है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नर शुड डे, अब यार तमिलनाडु में ये क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन करने का बिल लेके आ रहा है। कहाँ पर? तमिलनाडु इज इक्वल टू बैन ऑन ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल। ठीक है ना, अब वो गवर्नर के पास पड़ा है, अब वो गवर्नर को कहना देख लो। अब ये ऑनलाइन गैम्बलिंग क्यों बात करें, ये स्टोरी सुन लो यार। ऑनलाइन गैम्बलिंग में ना बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा देते हैं, फिर वो पैसा हार जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा हार जाते हैं। और ये सच कहानी भी है, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपनी परिवार की कहानी सुनाई कि हमारे स्पेशली पेरेंट्स ने या बच्चों ने ऐसे पैसे लगा दिए थे। अब बिल आ रहे हैं यार, लोकसभा का सेशन चल रहा है तो कोई ना कोई बिल तो आएगा, पढ़ लेते हैं। सीकिंग द इलेक्शन कमीशन टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल इलेक्शंस, ऑपरेटिंग द इंटरनल इलेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यार यहाँ पे ना इंटरनल इलेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। क्यों रहा इंटरनल इलेक्शंस न्यूज़ में? बिकॉज कांग्रेस में ना बहुत सालों बाद प्रेजिडेंट के इलेक्शंस हो, उससे पहले सोनिया गांधी ही प्रेजिडेंट बनी हुई थी। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को जब पूछा गया कि बताओ इंटरनल इलेक्शंस, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है, प्रेजिडेंट है, वो कौन चूज़, मतलब चूज़ कर होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए इंटरनली या नहीं होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, बट उन्होंने कहा है होना चाहिए और ये हमें पता होना चाहिए इंटरनल इलेक्शंस क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अस्टूट। अस्टूट का मतलब क्या होता है? अपने आप को सच बताना कि भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा या ये हमसे हो जाएगा। ठीक है, वो होता है अस्टूट। अस्टूट, हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न इनटू वंस एडवांटेज। ठीक है ना, सिचुएशन को देखना, सही से देखना और फिर उसको अपनी एडवांटेज में टर्न कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलेंगे। इन इज कंक्लूडिंग, अब यार ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 17th क्या हुआ? 17th एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग।
फुल फॉर्म क्या है इसका, APRM। सबसे पहले ये कहाँ पर हुई, सिंगापुर में। किसने करवाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ILO भी जिसको प्यार से बोल देते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोगो। ठीक है, ये भी नोट करना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। अब ये इंडिया के लिए थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, चलो हक बनता है इंटरनेशनल लेवल के, इनका ज्ञान हम ले लेंगे। ठीक है, क्या नाम है, गिल्बर्ट एफ हुंगो हुगबो। ठीक है ना, गिल्बर्ट एफ हुगबो, ये क्या थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ क्या था, टोगो। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, सेड ही लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यूइंग द कंसिडरेशंस ऑफ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल कोलिएशन एंड सोशल जस्टिस। ही आस्क्ड द मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर ग्रेटर पॉलिसी कोहेरेंस अमंग टी जॉब्स। वो इंडिया को कहता है तुम जॉब्स बनाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए जॉब्स बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हारी जनता जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, कहता है उसका ध्यान रखो तुम, बाकी सब मैं देख लूंगा दुनियादारी का। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो यार कौन सी थी, 17th थी, कहाँ हुई, किसने करवाई और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है और ये पहले किसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये है ये। चलो आगे, क्लीन गंगा। गंगा क्या होनी चाहिए, साफ। एक्चुअली हर नदी साफ होनी चाहिए, गंगा ही क्यों। ठीक है, चलो अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इन्होंने, पहले क्या था कि इसको साफ करो। ठीक है, अब वो कहते हैं बहुत बहुत साफ हो गया, गंगा के अंदर डॉल्फिन भी दिखने लग गया, अब इसको कंजर्वेशन, टूरिज्म और लाइवलीहुड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको, फिर पूरे के पूरे हम नोट्स बनाएंगे, जनता क्या कह रही है। या रिपीटेड न्यूज़ तो थी, अब रिपीटेड न्यूज़ अगर मैं नहीं करवाती फिर बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं करवाई, अगर मैं करवा देती तो कहते क्यों करवाई, क्या करूं मैं, कहां जाऊं। मार्किंग अ शिफ्ट इन एम्फेसिस, द यूनियन गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप नमामि गंगे प्रोग्राम। तो इनका कौन सा प्रोग्राम है, नमामि, ठीक है ना, मेरी मामी नहीं मानी, नमामि गंगे प्रोग्राम। अब यार तुम्हें एक और बात बताऊं, ये जो हमारे पीएम को आदत है ना कि हर ऑनलाइन वो करवा देते हैं, यार मुझे वर्ड नहीं आता रहा, मतलब देखो मुझे भी वर्ड नहीं आता, ऑक्शन, यस, ऑनलाइन ऑक्शन जो करवाते हैं ना, जैसे ये नीरज चोपड़ा का जैवलिन का वो डंडा था, ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन करवाते हैं चीज़ों की, जो गिफ्ट्स आते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय पीएम। ठीक है, जो उसका पैसा है ना, मनी रिसीव्ड जो होता है उसका, वो नमामि गंगे प्रोग्राम को जाता है, गोज टू दिस प्रोग्राम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। कंसीव्ड टू इंप्रूव द सैनिटेशन लेवल्स इन गंगा, इज नाउ गेयर्ड टुवर्ड्स कंजर्वेशन टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इनका मेन मिशन क्या था, अब ये पहले हम गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। ठीक है, 2014 में स्टार्ट किया गया। सबसे पहले तो हम इसका याद कर लेंगे कब स्टार्ट हुआ, 2014 के अंदर स्टार्ट किया गया था। पर्पस क्या था इसका, पर्पस था पॉल्यूशन कंजर्व पॉल्यूशन खत्म करना एंड कंजर्वेशन रिजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ठीक है, कंजर्व करना, ठीक है, और क्या था इनका, और इनका मकसद क्या था, मकसद रिजुविनेशन, रिजुविनेशन का मतलब कि रिवाइव करना, ठीक है ना, कहीं से खत्म हो गए बिल्कुल, रिवाइवल, रिवाइव करना। ठीक है, ये था, इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड अंडर, कौन ऑपरेट कर रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैनिटेशन भी था इनका, जो हमने न्यूज़ में मतलब अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा, सैनिटेशन वाला जो था, सीवेज का जो था, वो हम बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे कौन इसको मैनेज कर रहा है, इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, इम्प्लीमेंटेड बाय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसको, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है इसको। ठीक है ना, लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे आएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज।
ठीक है, द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स NMCG इज द इम्प्लीमेंटेशन विंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल सेट इन 2016। अब ये आप नोट करना चाहते हैं तो क्लैट वाले बच्चे जो है ना 2024 वाले, वो नोट कर लें इसको, ये क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा के अंदर सबकी क्या जा रही थी, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब क्या होता है कि कुछ ट्रीट करके पानी उसमें डालो। ठीक है, ये भी इनका था। अब क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि उनका ये वाले जो पर्पस हैं वो अचीव हो गए हैं, तो इन्होंने ऐड कर दिया पर्पस, क्या कर दिया उसको, इम्प्रूव सैनिटेशन लेवल, सीवेज सैनिटेशन लेवल इम्प्रूव हो गए, तो अब ये किसकी तरफ चल पड़े हैं, अब इन्होंने ठीक है गियर्ड, मतलब ये उसकी गियर्ड टुवर्ड्स, मतलब जो चीज़ चाहते थे वो हो गई है, तो अब अपना जो गोल है वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो गियर्ड टुवर्ड्स किसकी तरफ है, कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन, टूरिज्म और प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड। अब तुम कहोगे लाइवलीहुड, पैसे कमाने का तरीका माँ गंगा नदी से, यस, बोटिंग करवा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, एट अ मीटिंग ऑन दिसंबर 8 ऑफ द टॉप बॉडी टास्क विद कोऑर्डिनेटिंग नमामि गंगा एक्टिविटीज चेयर्ड बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब ये भी तुम्हें पता होना चाहिए यार, ये कौन है हमारे मिनिस्टर जल शक्ति के, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, द थर्स्ट ऑफ डिसीजन फोकस्ड ऑन हैविंग द टूरिज्म मिनिस्ट्री डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर डेवलपिंग टूरिज्म सर्किट्स अलॉन्ग द गंगा इन लाइन विद अर्थ गंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कल्चर, अर्थ गंगा और हार्नेसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल फ्रॉम गंगा। अब यार ये इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहे हैं हम, किस गंगा, किसकी, अर्थ गंगा। अरे भाई मेरे पेन लिख ले, अर्थ गंगा, इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है इसका। ठीक है, हार्नेस, ये पहले लिख लेते हैं, हार्नेसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल, हार्नेसिंग इकोनॉमिक पोटेंशियल फ्रॉम द गंगा। ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल मतलब यार देखो बहुत कुछ हो सकता है ना गंगा रिवर के अंदर, किसी को जॉब मिल सकती है उसको साफ करने से, किसी को जॉब मिल सकती है उसके अंदर से मे बी कोई उसके अंदर कुछ ऐसा नहाने स्नान करने के लिए कुछ ऐसी बना दे कुछ चीज़ें, ठीक है, या फिर कुछ बोटिंग करवा सकते हैं, या फिर कोई घाट्स में कोई किसी को जॉब मिल जाएगी, ठीक है, कि लोग आ रहे हैं आप उनको हर घाट घुमा पाओ। ठीक है, तो कुछ भी मतलब जो इकोनॉमिक जॉब्स क्रिएट हो सके जिससे वो करना है, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ लिख लो, क्रिएशन ऑफ नौकरी, ऑफ जॉब्स, नौकरी लिखने नहीं जॉब्स। ठीक है, ये करेंगे तो इससे क्या करेंगे, अब ये टूरिज्म वालों को बोल रहे हैं तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ, ठीक है ना, अर्थ गंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर 2019 आफ्टर अ चेयर सिमिलर मीटिंग ऑफ द गंगा टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2019 PM सुजेस्टेड था, पीएम डायरेक्टिव था, ठीक है, क्या, अर्थ गंगा, ये किसका डायरेक्टिव है, पीएम का, नरेंद्र मोदी का, एनएम का। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पर, प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग सजेस्ट दैट अलॉन्ग विद डेवलपिंग टूरिज्म सर्किट्स द मिनिस्ट्री वॉज प्लानिंग एग्जीबिशंस एंड फेयर्स इन 75 टाउन्स। अब ये टूरिज्म सर्किट्स का होता है, टूरिज्म सर्किट्स मतलब जैसे ये लोग पहले बना रहे हैं गौतम बुद्धा का, ठीक है, गौतम बुद्धा कहते हैं कि वो इंडिया भी आए, उन्होंने बहुत जगह विजिट किया, तो कहाँ कहाँ विजिट किया वो वहाँ पे मार्क करके टूरिस्ट प्लेसेस बनानी ताकि लोग हर जगह जाकर आएँ, या कुछ ऐसा था, टूरिस्ट सर्किट्स ही हैं, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का भी टूरिस्ट सर्किट बना रहे हैं कि जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, जहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ काम किया, वो सारा जहाँ पे उनकी अल्टीमेटली डेथ हुई, जहाँ पे उनको बरी किया गया, ये सब कुछ को मतलब मार्क करेंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ये जो है ये फेमस प्लेसेस हैं। अशोक कुमार डायरेक्टर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अगर नोट करना कर सकते हो। अब यहाँ पर द इन स्टेज द फोकस वुड बी एक्सपीडियसली मतलब स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट, कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स इन एवरी गंगा डिस्ट्रिक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू डेवलप अ साइंटिफिक प्लान एंड हेल्थ कार्ड फॉर एटलीस्ट 10 वेटलैंड्स एंड अडॉप्ट पॉलिसीज फॉर रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यार ये बात कर रहे हैं, सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इन द पास्ट 6 months सेवरल वर्कशॉप्स एंड विजिट्स वर ऑर्गेनाइज फॉर फार्मर्स हु वर बींग नज्ड एंड सेंसिटाइज टू शिफ्ट द टू नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, और यहाँ पे
स्टेट्स में क्या फोकस है इनका, स्टेट्स के अंदर इनका फोकस है कि भाई हेल्थ मतलब वेटलैंड्स जो पानी है उसका, जो लैंड जहाँ पे नेचुरली वाटर है उनको रिवाइव करा जाए, उनको खत्म ना होने दिया जाए, ट्रीटेड वाटर जो सीवेज का पानी है उसको ट्रीट करके रीयूज किया जाए, जैसे कि दिल्ली कर रहा है, दिल्ली में भी तो प्लान आ रहे हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद सिंस 2014 में व्हेन द क्लीनिंग ऑफ गंगा वाज लॉन्च्ड एज अ मार्की, मार्की मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, क्लोज टू रुपीज 30,000 करोड़ हैड बीन सैंक्शनड, और ये सब कुछ जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थ गंगा के बारे में पता होना चाहिए, ये सारा हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है, मैंने ज्यादा नहीं लिखवाया यहाँ पर, ठीक है। जो तुम बोलते रहते हो ये क्या लिखवाया है, अर्थ गंगा क्या है कि भाई जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो हम अचीव यहाँ से निकाल सके, जो गंगा से पैसे कमा सकते हैं हम, कंजर्वेशन टूरिज्म प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड, ये हमने अपना मिशन जो है आगे बढ़ा लिया, पहले हमारा सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रा बनाना, ठीक है, सीवेज जो था सैनिटेशन कंट्रोल करना वो सब किया हमने, ठीक है। तो ये है हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम, 2014 में हमने स्टार्ट किया था गंगा को क्लीन करने के लिए, क्या करने के लिए, हमारी गंगा मैया को साफ करने के लिए। अब आगे वर्ल्ड की तरफ बढ़ेंगे, जापान ने, जापान का हमने तो ये पहले कर दिया, हाँ तुम अब कर रहे हो, वी हैव डन इट ऑलरेडी, इट्स बीन एजेस, क्या किया जापान, जापानीज स्टार्टअप लॉन्चेस हिस्टोरिक मून मिशन विद हेल्प ऑफ स्पेसएक्स, ठीक है। अरे मून मिशन नहीं, बट हमने अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर दिया है, ठीक है, वो भी बहुत है हमारे लिए, अभी हम और करेंगे। जापानी, मेरा जूता है जापानी, जापानीज स्टार्टअप, ये पूरा नोट करेंगे, स्टार्टअप लॉन्चेस मून मिशन, ठीक है, हेल्प ऑफ स्पेसएक्स याद है तुम्हें, वही एलन मस्क की कंपनी, ये लो लिख दिया मैंने, अब याद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जापानी स्टार्टअप ने मून मिशन लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर, स्पेसएक्स के साथ, ठीक है, स्टार्टअप ने किया, स्टार्टअप मतलब एक प्राइवेट कंपनी ने किया, अब उसका नाम वाम नहीं दिया, अगर ये ज्यादा बात करेंगे तो फिर हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। कंट्रीज फर्स्ट एवर लूनर मिशन, ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, फर्स्ट एवर लूनर मिशन ऑफ जापान, पर हम तो कर चुके हैं मून का मिशन तो, है ना, मतलब हम जापानियों से भी आगे हो गए, अरे वाह। अब यहाँ पे नासा का जो लूनर मिशन था वो आ गया नीचे, ठीक है, ये देखो ये पानी में गिर रहा है, देख रहे हो, ये वापस आ गया इनका, अभी पानी में से उठाएंगे इसको और फिर इसी के अंदर बंदे डालकर भेज देंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। अब ये क्या नाम था इसका, आर्टेमिस 1 लिख लेते हैं इसको, आर्ट ऐसे याद कर लो, आर्ट ई मिस, ठीक है। अब यार जो आर्ट वाली मिस होती है, टीचर होती है स्कूल के अंदर, बड़ी खतरनाक थी मेरी तो, सच में दिमाग खराब करके रखती थी, और मेरी ड्राइंग ठीक ठाक होती थी, एक तो वो सिखाती कुछ नहीं थी, ठीक है, और चाहती थी कि आर्टिस्ट मतलब MF हुसैन वाली पेंटिंग चाहिए उसको, सिखाना कुछ नहीं कि बोर्ड पे ये बने इसको बना दो। फिर मैं भी क्या करती थी, मेरे घर के पास में एक दीदी रहती थी, वो आर्ट्स कॉलेज में थी, मैं उनके पास अपनी ड्राइंग बुक दे आती थी, वो सब बना देती थी, फिर मैं आर्ट बुक दे आती थी। फिर मेरा पता नहीं, मेरी जो टीचर थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये डी से ए पे पहुंची कैसे, ग्रेड सिस्टम होता था ना, ठीक है, चलो आर्ट ई मिस ऐसे याद हो जाएगा, आर्ट की मिस, ठीक है। ये क्या है, वन मिशन, ये किसका मिशन है, लूनर मिशन, सबसे पहले तो ये नासा का मिशन है, ठीक है ना, ओरियन स्पेस कैप्सूल था इनका, चलो ये पहले हम लिख लेते हैं नासा का मिशन, ठीक है, नासा का मिशन, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कौन सा मिशन था, लूनर मिशन था, ठीक है, बहुत देर बाद इन्होंने किया, हर रोज कहते थे आज भेज रहे हैं, अल्टीमेटली भेज ही दिया। नासा ओरियन स्पेस कैप्सूल स्प्लैश डाउन सेफली इन द पैसिफिक ऑन संडे, कंप्लीटिंग द आर्टेमिस 1 मिशन, अ मोर देन 25 डे जर्नी अराउंड द मून, आफ्टर हर्टलिंग थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर एट दिस अनक्रूड कैप्सूल, या अनक्रूड कैप्सूल था मतलब कोई भी ह्यूमन बींग था, फ्लोटेड डाउन टू द वॉटर विद द हेल्प ऑफ 3 पैराशूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे किस कैप्सूल में गया था ये, आर्टेमिस मिशन जो था कौन से में गया, ओरियन स्पेस कैप्सूल, ठीक है, इसने क्या किया, घूम घुमा के आ गया, 25 डेज की जर्नी करके आया, 25 डेज जर्नी अराउंड द मून, हमसे अच्छा तो यही है, घूमने तो चला गए, हम तो घर बैठे हैं, पढ़ लो तुम लोग नहीं ये बोल सकते। चलो अब ये 25 डेज मिशन करके आया, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो हम ग्रीन से लिखेंगे, अनक्रूड कैप्सूल, ठीक है, अनक्रूड कैप्सूल मतलब अनमैंड मिशन था ये, अनमैंड मिशन मतलब कोई भी, अनमैंड मतलब नो
ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग बीइंग्स कह लो, कई बार ये कुत्ते उत्ते भी भेज देते हैं, इनका नहीं पता, कोई भरोसा नहीं इनको, इनको अपने पेट से प्यार नहीं है। पता चला ओरिगैनो, मतलब किसी डॉग का नाम ओरिगैनो है और साइंटिस्ट देख रहा है उसको, मैं ओरिगैनो को स्पेस में भेजता हूँ, फिर देखता हूँ ओरिगैनो वहां जाके सांस ले सकता है या नहीं, कुछ नहीं पता इनका। तो आर्टेमिस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, ये गया ऐसे, यहाँ से निकला 1 2 3 4, ठीक है, घूमकर फिर यहाँ आ गया 5 6 7, ठीक है, देख रहे हो ये वाला, तो पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलो हम थोड़ा इसको इधर उधर कर देते, अब चलेगा, 5 6 7, फिर 8, फिर आ गया ये, फिर 9 10 11 कहाँ गया, फिर यहाँ पर, अच्छा ये तो बहुत ही गेड़ियाँ मार कर आया है, 14, फिर आ गया वापस अर्थ पे, ठीक है, ऐसे ये घूम फिर कर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ घूम फिर कर आया है, क्या है इसकी हिस्ट्री, ये जानना पड़ेगा हमें। आर्टेमिस 1 इज एन अनक्रूड मिशन ऑफ नासा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इज इट्स अनक्रूड, मतलब अनमैन्ड, नो ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व इन द मिशन, नेम्ड फॉर द सिस्टर ऑफ अपोलो इन ग्रीक माइथोलॉजी। अब आर्टेमिस ये नाम जो है ये कैसे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ना मतलब जीके के क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं कि बताओ कुछ भी नाम रख लो, अब सिस्टर ऑफ अपोलो, ठीक है, सिस क्या है, सिस्टर, नेम आफ्टर, ये लिखना पड़ेगा हमें सारा, नेम आफ्टर द, आफ्टर सिस्टर ऑफ अपोलो इन ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है ना, कहते हैं बढ़िया काम करेगा, भगवान का नाम लेंगे। इट्स इट इज नासा सक्सेसर टू अपोलो लूनर मिशन फ्रॉम 50 ईयर्स अगो, ठीक है, क्या है सक्सेसर, अच्छा अपोलो की बहन बनी ना, हम कहते थे ये तो उसका बहन है, इन्होंने सच में उसका नाम भी ऐसे लिख दिया, सक्सेसर टू अपोलो मिशन, अपोलो लूनर मिशन, अपोलो मिशन लूनर मिशन कब हुआ था, अपोलो मिशन हुआ था 50 ईयर्स अगो, ठीक है ना, 50 ईयर्स अगो हुआ था ये, अगो लिख लो, ओल्ड नहीं, चलो आगे चलेंगे। अब यहाँ पर इट विल टेस्ट द एजेंसी स्पेस लॉन्च ओरियो कैप्सूल, क्या क्या ओरियो क्रू कैप्सूल था ये, ठीक है, ओरियो स्पेस कैप्सूल जो है ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको क्रू कैप्सूल, ठीक है, इसमें क्रू बैठकर जाएगा जो वापस आ गया ये, ठीक है, टेस्ट द कैप्सूल, ठीक है, मिशन का पर्पस था ये कि क्या करना है, टेस्ट करना है कि भैया सही भी है या नहीं। द SLS इज द लार्जेस्ट न्यू वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नासा हैज क्रिएटेड सिंस द सैटर्न 5 रॉकेट्स यूज्ड इन 1960 एंड 1970s। आर्टेमिस 1 इज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स मिशंस टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस एज द मून फॉर डिकेड्स टू कम। द प्राइमरी गोल्स ऑफ आर्टेमिस 1 आर टू डेमोस्ट्रेट ओरियन सिस्टम्स इन अ स्पेस फ्लाइट एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये आर्टेमिस 2 के बारे में भी हम नोट कर लेंगे, आई नो ये एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ बट ये जरूरी है। तो आर्टेमिस 2 कब तक होगा इनका, देखो यार ये इन्होंने क्यों किया, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा न्यूज को, जो हमने नोट्स बनाया उसको देख लेते हैं, ठीक है। आर्टेमिस 1 मिशन, इनका मिशन का नाम था आर्टेमिस 1 आर्ट की मिस, आर्ट ई मिस ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। इस मिशन का पर्पस क्या था, इस मिशन का पर्पस सिंपली ये था, लिख के दोबारा बता, चलो ऐसे बताती हूँ, इसका मिशन इसका पर्पस ये था कि इनका जो ओरियन स्पेस कैप्सूल है उनको ये टेस्ट करना था, क्योंकि इनको इसके अंदर ह्यूमंस बिठा के भेजने हैं, तो इसलिए ये टेस्ट कर रहे थे क्या ये सही है, क्या ये अगर हम इसमें ह्यूमंस बिठा कर लेकर जाते हैं तो क्या वापस आ जाएंगे। इन्होंने आई थिंक रोबोट्स भी बिठा के भेजे थे इसके अंदर, बट लिविंग ह्यूमन बींग्स कोई नहीं गया था, ठीक है। ये एक लूनर मिशन है, मतलब मून का मिशन है, अरे लूनर मतलब मून, चंदा मामा से मिलने गए थे ये, ठीक है। नासा का मिशन है 25 डेज जर्नी कर ये वापस आ गया, पैसिफिक के अंदर आके गिरा, ठीक है ना। और ओरियन किस में आके गिरा, ओरियन जो है वो पैसिफिक में आके गिरा, पैसिफिक में, ठीक है, ये पैसिफिक में आके गिर गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये आर्टेमिस का नाम जो है अपोलो, जो इनका मिशन था लूनर मिशन 15 ईयर्स पहले का वो अपोलो था, तो ये जो मिशन है उसका बहन बनी, तो इन्होंने जो ग्रीक माइथोलॉजी में जो अपोलो की सिस्टर का नाम था वही इन्होंने इस मिशन को नाम दे दिया, ठीक है। फिर आर्टेमिस 2 जो है वो कब तक टेक ऑफ करेगा, 2024 तक टेक ऑफ करेगा, और उसके अंदर कौन होंगे, ह्यूमन बींग्स। आर्टेमिस 2 विल हैव अ क्रू ऑन बोर्ड, ठीक है ना, आर्टेमिस 2 विल हैव क्रू ऑन बोर्ड, ठीक है, मतलब इसके अंदर बैठ के लोग जाएंगे और मून की हवा पानी खाकर आएंगे, ठीक है, मतलब घूम, मतलब इसके अंदर साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। विल ऑपरेट एज डिजाइन व्हेन इट हैज ह्यूमंस ऑन बोर्ड, बट द आर्टेमिस 2 लॉन्च विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ आर्टेमिस 1। अ क्रू ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स विल बी अबोर्ड ओरियन एज इट एंड ICPS ऑर्बिट द अर्थ ट्वाइस बिफोर मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मून, ठीक है। अब यहाँ पे कितने होंगे, कितने एस्ट्रोनॉट्स बिठाएंगे, यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, 4 एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, चलो
ये हमने पढ़ लिया आर्टेमिस के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। नासा के मिशंस को इंडिया वाले इतनी सीरियसली लेते हैं ना पेपर के अंदर, बस बहुत प्यार है। एडोगन कॉल्स ऑन प्यूटिन टू एस्टेब्लिश सीरियन कॉरिडोर। अब यार टर्की वालों के इंडिया बन नहीं रही है सीरिया और इराक वालों के साथ, ठीक है। इसने अटैक कर दिया था, एरियल अटैक किया पहले, मतलब हवा से भेजे वहाँ पर मिसाइल विसाइल। एरियल अटैक किस पे किया? एक तो इराक पे किया और एक सीरिया पे किया। अब क्यों किया? क्योंकि एक तो इंस्टानबुल में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ठीक है। तो उसका ये क्यों, किसको मानते हैं कि किसने करे? कर्डिश ग्रुप है, कर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को मानते कि उन्होंने किए। तो अब ये 2019 में अग्रीमेंट हुआ था रेफरेंट टू कर्डिश मिलिटेंट्स दैट अंकारा टर्की, अंकारा मतलब टर्की, कंसिडर्स टेररिस्ट मिस्टर एडोगन, उनके जो प्रेसिडेंट है टर्की के, रिटरेटेड द इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ क्रिएटिंग द कॉरिडोर इन नॉर्दर्न सीरिया इन अकॉर्डेंस विद 2019 अग्रीमेंट बिटवीन टर्की एंड रशिया। सॉरी फॉर द वर्ब। अब यहाँ पे हम पहले तो टर्की लिख लेते हैं, ठीक है ना। टर्की की किसके साथ ही बनती? टर्की की कर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना। और इन्होंने ब्लेम्ड देम फॉर इंस्टानबुल बॉम्बिंग। अब ये कहाँ बैठे हैं? सीरिया के अंदर हैं, ठीक है, इराक में हैं। तो यहाँ पे ब्लेम देम, अब ये क्योंकि इन्होंने बॉम्बिंग्स करी इंस्टानबुल में, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने हवाई एरियल अटैक स्टार्ट कर दिए। कहाँ कहाँ पे? ये हमने पहले भी पढ़ा है, सीरिया के अंदर और इराक में। किसने? टर्की ने, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अब ये बोल रहा है एडोगन, नाउ टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप टाइप एडोगन कॉल फॉर अ 30 किलोमीटर सिक्योरिटी कॉरिडोर ऑन टर्कीज बॉर्डर विद सीरिया इन अ फोन कॉल, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कॉरिडोर की, कॉरिडोर इन नॉर्दर्न सीरिया, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट हुआ था किसका? रशिया का और टर्की का, ठीक है ना। 2019 अग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड टर्की, ठीक है। क्या अग्रीमेंट हुआ था? ये अग्रीमेंट हुआ था कि 30 किलोमीटर का सिक्योरिटी कॉरिडोर, 30 किलोमीटर सिक्योरिटी कॉरिडोर ऑन टर्कीज बॉर्डर विद सीरिया, ठीक है। मतलब रशिया हेल्प करेगा इसके अंदर, कितना? 30 किलोमीटर कॉरिडोर ऑन टर्कीज बॉर्डर विद सीरिया, कि मतलब बंद ही कर दो, कोई आ ही ना सके वहां से, ठीक है। ये इन्होंने याद दिलाया कि भैया हमारा ये बन जाना चाहिए, 2019 में अग्रीमेंट हुआ था, कोई दिक्कत इसके अंदर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो चीजें पता होनी चाहिए, जो मैं तुम्हें बहुत बार याद दिलवा चुकी हूँ कि टर्की के प्रेजिडेंट कौन है। अगर तुमने अभी अभी नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं तो ये लिख लो, ठीक है ना। रेसिप टाइप एडोगन, ठीक है। कोई इसके अंदर दिक्कत किसी को? फॉर्मर स्प्रिंट चैंप जो होते थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, केनेथ पॉवल डाइड, ठीक है ना। कहते स्प्रिंट के चैंपियन थे, नोन एज जेंटलमैन स्प्रिंटर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेटेड इन 1964 टोक्यो ओलंपिक्स। हमारे मिल्का सिंह ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे गेम्स इन बैंकॉक, फिर ब्रॉन्ज, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडोल पाउस डेथ, ठीक है। इंडियन है ये, तुम नाम देख के तुम्हें ऐसा ना लगे कि कोई और है, ठीक है। और इन्होंने क्या जीता था? पावल्स करियर हाई वॉज 1970 एशियन गेम्स इन बैंकॉक, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 4x100 मीटर में
ब्रॉन्ज जीता था, पार्ट ऑफ, ठीक है, ब्रॉन्ज पार्ट ऑफ विनिंग टीम। अरे रीले होगी ना, विनिंग टीम रीले थी, सॉरी मैंने ये लिखा नहीं, कोई दिक्कत इसमें। और ठीक है, तो यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस सेशन को लाइक कर देना और ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज़ आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें सभी तक पहुंचने में। तो ज़रूर करना सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज़ 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 प्लीज, कमेंट। और हाँ जी बोलो, क्या प्रॉब्लम्स हैं? थैंक यू मैम, ऑन टाइम टुडे। सानोनिम्स एंड एंटोनिम्स द हिंदू एडिटोरियल से अलग से वीडियो बनाई है। ओके अब्बास खान, गर्वित दी, अगर आपका हिसाब से एलर्ट ना हो तो जाता, अगर एलर्ट करता ना तो हो जाता, आपने बोला था वन सेक्शन मान के करो। गर्वित अब तो हो गया ना, अब जो क्लैट का है वो देखो, ठीक है, उसके अंदर जो भी हुआ हो गया। आई वुड से जस्ट मूव ऑन एंड वर्क ऑन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दैट इज जस्ट योर वे, डोंट थिंक अबाउट एलेट नाउ, जस्ट लर्न योर लेसन एंड मूव ऑन, ठीक है, ओके। गर्वित आपका देख लिया। निश्चय त्यागी, मैम प्लीज इंग्लिश के लिए कुछ बताइए फॉर एनएलसीएटी 2023। यू हैव टू जस्ट स्टडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर इंग्लिश, फॉर एनएलसीएटी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना। और न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। www.loggery.com पे बुक प्रोवाइड करी हुई है, वहां जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक में से पढ़ो एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। देखो यार एनएलसीएटी क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर द हिंदू को पी जाओ, इसके नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो, दिस इज द मेन थिंग फॉर एनएलसीएटी, ओके। निखिल मैम नोट करना जरूरी है, बस मैगजीन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या देखो आप मैगजीन पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ो, मैगजीन जरूर पढ़ो, बट उसके अंदर प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता मैगजीन में से। अगर आपको मैगजीन पढ़कर समझ में आता है तो गो अहेड एंड रीड द मैगजीन ऑल्सो, वो भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, मैं भी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द किड्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स फ्रॉम द मैगजीन, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस अटेंड करना जरूरी हो जाता है उनके लिए, ठीक है। एंड अगर आप ये चाह रहे हो कि आप जा रहे हो डायरेक्टली फॉर द मैगजीन, आई वुड से प्लीज ट्राई रीडिंग अ प्रीवियस मंथ्स मैगजीन बिफोर यू मिस द एनालिसिस, राइट। सिद्धेश बलवार, ये रिपीटेड न्यूज थी सिद्धेश, ऑब्वियस मैम मैं ऐसे ही बोल रहा था कि रिपीटेड तो आपको, नहीं नहीं सिद्धेश मैंने भी मजाक में बोल दिया, ऐसे सीरियसली मत लो, क्योंकि अब क्या होता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है मुझे भी कि रिपीटेड करवा दूँ नहीं करवाऊँ, क्योंकि एक न्यूज अगर चार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब जैसे ये 17 जो एशिया का मीटिंग हुआ है ILO का, बार बार हो रहा है, मतलब हम 5 बार पढ़ चुके हैं इसको, बट अब हमें याद भी हो गया कि ये सिंगापुर में होगी, है ना। द ब्यूटी ऑफ रेपिटेशन इज कि एक तो इंपॉर्टेंट पता चल जाता है, दूसरा हमें याद हो जाता है, राइट। उसके बाद अंजलि सिंह, मैम क्लैट में करंट अफेयर्स का पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। अंजलि सिंह, क्लैट के अंदर करंट अफेयर्स से रिलेटेड दो टाइप के पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है। एक तो पैराग्राफ आता है जहाँ पे वो 1 2 ऐसा सा दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, और कहते हैं कि जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो वहाँ पे क्या होना चाहिए था, वो वर्ड पूछते हैं, वो नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी, वो डाटा होता है कुछ, राइट। तो अगर तो वो करें तो आपको वो लाइन पढ़नी है और वो बता देना है कि क्या आंसर हो सकता है ऑप्शन में से। बट नॉर्मली अगर हम 2020, 2021, 2022 के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें क्लैट के करंट अफेयर्स सेक्शन को, तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा क्वेश्चंस पढ़ने और आंसर
देना है, राइट? ओके, आगे चलेंगे. आयुषी, यू आर वेलकम. आयुषी, सुप्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आयुषी मैम, डी यू एल एल बी 2023 के बारे में कुछ क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा. आयुषी, आई हैव डन अ वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि सी यू ई टी जो पी जी है, अगर हमारा एग्जाम उसके थ्रू होता भी है, चलो मान लिया कि बहुत बहुत न्यूज़ आ रही है इस बार, बहुत मूव बन रही है कि एग्जाम वैसे हो सकता है, बट मेरा मानना यह है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी स्टैटिक जीके, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग. अगर आपको ये भी लगता है कि सी यू ई टी पी जी में चला जाएगा और बहुत मेजर चेंज आ जाएगा, और क्योंकि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखते हैं तो वो उसमें लीगल नहीं है, उसमें टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ सब उड़ गया. तो अगर इसमें उड़ गया, सबसे पहले तो बहुत चांसेस है कि दिल्ली वाले वो उड़ने देंगे, ठीक है? दिल्ली वाले दे विल मेक श्योर कि लीगल रहे. बट दूसरा, अगर वो उड़ा भी देते हैं तो बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, आप अभी वो पढ़ सकते हो, राइट? बाय द टाइम वी गेट क्लैरिटी. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ एनएलसैट, एमएचसीईटी, एआईएटी, थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं, तो आपको टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ वैसे भी पढ़ना ही है, राइट? तो इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है. तारू डागर, लकी आर दोज हु डिडंट गिव एलेट एंड दे हैव एटलीस्ट फुल कॉन्फिडेंस फॉर क्लैट. नो, यू कैन बी लकी टू, यू गॉट द एक्सपीरियंस, राइट? आपको एक्सपीरियंस मिला कि क्या गलती थी, एंड आने वाले 6 डेज में आप क्या वो सही कर सकते हो, कुछ तो होगा ना जो आप सही कर सकते हो ताकि आप क्लैट जो है वो अच्छे से दे सको. देखो यार, हम अपनी लाइफ में फेल होंगे, ठीक है? ये हमें कोई नहीं बताता स्टार्टिंग में, स्पेशली जब हम 10th से 11th में आते हैं. आई थिंक एक सेशन होना चाहिए पेरेंट्स का बच्चों के साथ, जहाँ पे वो बोले कि हाँ तुम फेल होगे, यस यू विल फेल, लाइफ इज लाइक दैट, वी फेल, वी लूज, एंड देन वी अचीव, एंड देन वी फेल अगेन, एंड देन वी अचीव अगेन. दिस इज हाउ लाइफ इज, इट्स लाइक वेव, यू अचीव, यू फेल, यू अचीव, यू फेल, एंड देर कैन बी टाइम्स व्हेन यू अचीव, फेल, यू कैन, इट कैन बी फेल, अचीव, राइट? हम मल्टीपल टाइम्स भी फेल हो सकते हैं, हम मल्टीपल टाइम सक्सीड होके भी फेल हो सकते हैं. तो हर कोई अपनी जिंदगी में फेलियर भी देखता है और सक्सेस भी देखता है, राइट? तो अगर आपने पेपर दिया, वो पेपर आपका अच्छा नहीं गया, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है? आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आप सोचोगे मेरी गलती क्या थी एंड क्या मैं इन 6-7 डेज में कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है? वो करो आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्लैट के लिए, एमएचसीटी के लिए, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो करो, एंड जस्ट गो हेड. अगर आप, ये तो वो वाली बात है यार, पानी था ग्लास में, वो गिर गया, अब मैं सोच रही हूँ इस पानी को कैसे उठाऊं. नहीं, अगली बार से पानी ना गिरे मैं ऐसा क्या करूं, ओके? सो सैड होने वाली कोई बात नहीं, आपने दिया तो फिर. रोहित, करंट का खराब हो गया था, कैसे हुआ, हाउज योर पेन नाउ? आई एम वेरी वेरी फाइन. मेरे ख्याल से मुझे ये 2 दिन का रेस्ट पहले ही ले लेना चाहिए था. आज मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, तुम लोगों को भी सेशन में पता चल रहा होगा. तो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बोला था कि यू शुड टेक अ रेस्ट, लाइक मेरे रिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू लाइक राइट, क्योंकि आप राइट लिखते हो तो यू नो, आपको मूवमेंट चाहिए होती है, तो वो कभी रियलाइज नहीं होता जब तक वो दर्द ना हो. तो I took a break, like 2-day break, and I'm now healthy, perfectly fine. All your blessings, thank you. And जो backlog है वो भी हम फटाफट से खत्म कर देंगे, okay? Don't worry about that. रोहित शॉ, दीदी मॉक अच्छा जा रहा है, करंट अफेयर्स 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ अभी, थैंक्स टू यू दीदी. वेरी गुड रोहित, अभी आपने जो नोट्स बनाए उनको रिवाइज जरूर कर जाना, ठीक है ना? एंड जो अभी वाला न्यूज है वो भी आप साथ साथ सुनते रहो, ठीक है ना? एंड बाकी सारा रिवाइज करके जाओ, राइट? सो दैट्स दैट. इसमें क्या है, एलेट या कोई भी एग्जाम बुरा हुआ यार, हम उसके साथ वी शुड जस्ट लर्न आर लेसन्स एंड मूव ऑन. ये हमें कोई क्यों नहीं बताता है कि हम जिंदगी में फेल भी होंगे. यस, आपके साथ के बच्चे सक्सेसफुल भी होंगे, उनका एग्जाम क्लियर होगा, उनको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन मिलेगी, बहुत बढ़िया बात है. बट मैं तो अपनी इंप्रूवमेंट करूँ ना, मैं उनको देख कर क्यों डर रही हूँ, समझ रहे हो? ये मैं तारू तुम्हें कोई पर्टिकुलरली नहीं कह रही, बट यही होगा. बहुत सारे बच्चे तुम्हारे क्लास में से हो सकते हैं, वो स्कूल के क्लास में से हो सकते हैं, तुम्हारी कोचिंग की क्लास में से हो सकते हैं, तुमने कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उसमें से हो सकते हैं जिनका पेपर क्लियर हो जाएगा. तो क्या तुम जेलेसी में रहोगी? नहीं, यू विल सी व्हाट बेस्ट यू कैन डू, ओके? दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. अगर क्लैट भी, क्लैट को अच्छे से तो क्या इंप्रूव कर सकते हो आने वाले दिनों में, वो करो, ठीक है? उसके बाद क्लैट देके भी अपना एनालिसिस करो कि यार मेरी प्रिपरेशन में क्या गलती थी, मैं क्या करूं कि मेरा स्लैट जो है वो क्लियर हो, मेरा एमएचसीटी क्लियर हो, मेरा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर हो, मेरा एनलैट क्लियर हो, समझ रहे हो? ओके, अपॉर्चुनिटीज है ये,
अभी दुख बना के क्या करोगे, मेरा इलेट खराब हो गया, इलेट खराब हो गया कहाँ पे। तुम अब एक पेपर लो, पेन लो, उसमें लिखो कि ये गलती थी मेरी, सिंपल सी बात है। और तुम्हें पता है वो गलती क्या है, तुम अपने माँ बाप के आगे, मेरे आगे वो एक्सेप्ट मत करो। बट अगर रूम में अकेले बैठोगे ना और लिखोगे व्हाट वर माय मिस्टेक्स विद रिगार्ड टू ए लेट, पता चलेगा क्या गलती थी, और बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, दैट्स इट। आई थिंक मैंने आज आपकी क्वेरीज भी ले ली। हमने बहुत दिनों बाद डाउट सेशन किया, मुझे आपकी बहुत बहुत याद आ रही थी, पढ़ाए बिना मेरा भी मन नहीं लगता है। कल मिलेंगे दोबारा 6 o'clock, जो हमारे पेंडिंग दो न्यूज़पेपर्स रह गए हैं वो भी मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी। दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। टुमारो 6 PM बी देयर, डू कॉमेंट बिकॉज वो हमें हेल्प करते हैं रीच करने में और भी लोगों के पास, और भी स्टूडेंट्स की मदद कर पाएंगे हम, और वो चैनल को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो हमारे बारे में ज़रूर शेयर करा करिए, जब भी कोई पूछे करंट अफेयर्स के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो अगर आपको लगे कि हाँ सच में हमने आपकी मदद करी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें, ठीक है ना। सो दैट्स इट, एजुगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, 6 o'clock टुमारो।